बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड है। हमारा जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 12, वो भी ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड था। उसमें जो ज़्यादातर हमने चीज़ें देखी थी, दैट वाज रिलेटेड टू द यूआरएल। यूआरएल को हमने ज़्यादा इन डिटेल स्टडी किया था, ठीक है। ये सारी उसकी एग्जाम्पल्स वगैरह हमने इन डिटेल स्टडी कर ली थी, जिसमें हमने देखा था कि यूआरएल कैसे बनाना है, यूआरएल की टाइप्स कौन सी होती हैं, स्टैटिक यूआरएल कब रखना है, डायनेमिक यूआरएल कब रखना है, स्टैटिक यूआरएल के क्या फ़ायदे हैं, डायनेमिक यूआरएल के क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हैं। फिर यूआरएल के रूल्स देखे थे कि किन रूल्स की बेस को हमने फॉलो करना है यूआरएल बनाते वक्त। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी थी इसकी, कि हमने खुद किसी कीवर्ड के अगेंस्ट यूआरएल बनाने की कोशिश की थी। फिर हमने ईयर और डेट का कंसेप्ट स्टडी किया था, कि यूआरएल के अंदर हम ईयर्स को मेंशन करना प्रेफर नहीं करते, तो उसके लिए हमने सोल्यूशन देखा था कि हम दिस ईयर का वर्ड यूज़ कर लेते थे। फिर एक असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी थी कि जी हम पेजिनेशन या सर्चेस के लिए डायनेमिक यूआरएल्स क्यों यूज़ करते हैं, जिसका आंसर किसी ने भी मुझे सही तरह से नहीं दिया। चलें इस आज के क्लास में मैं ये वाली चीज़ भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं। कि हमने वैसे तो ये स्टडी किया था ना कि हम डायनेमिक यूआरएल को प्रेफर नहीं करते, हम स्टैटिक यूआरएल्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि वेबसाइट में दो जगहें ऐसी होती हैं, द वन इज पेजिनेशन, द अदर इज सर्चेस, जिसके अंदर नॉर्मली हर वेबसाइट का जो यूआरएल होता है वो डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं होता। लेकिन उसके रीज़न क्या है, जबकि डायनेमिक यूआरएल प्रेफर नहीं है, यूज़फुल नहीं है, फिर भी हम यूज़ करते हैं, उसके एक स्पेसिफिक रीज़न है जो किसी ने नहीं बताई, दैट आई विल एक्सप्लेन यू टुडे। फिर हमने ये देखा कि गूगल सर्चेज में हमें कौन कौन सा डाटा शो होता है, वो हमने देखा था। गूगल सर्चेज में हमें तीन चीज़ें शो होती हैं, यूआरएल, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। कोई भी कीवर्ड अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं सर्च करूँ ऑल मेटा टैग्स, ऑल मेटा टैग्स लिस्ट, अब देखें इसमें सबसे ऊपर मुझे यूआरएल शो हो रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यूआरएल शो होता है, ठीक है। उसके बाद इसका मेटा टाइटल शो होता है, दिस इज नोन एज मेटा टाइटल, ये जो एक बोल्ड करके बड़े फॉन्ट साइज में लिखा हुआ है। फिर ये जो टू लाइंस होती हैं, ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है अबाउट दिस, दिस इज नोन एज मेटा डिस्क्रिप्शन, ओके हो गया ये। फिर हमने देखा था कि मेटा सेटिंग कैसे होते हैं, मेटा टाइटल कैसे होते हैं, हेडिंग टैग्स कैसे होते हैं, HTML हेड बॉडी का हमने कंसेप्ट देखा था। फिर मेटा टाइटल को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था, जिसके हमने तमाम रूल्स भी स्टडी किए थे और कुछ एग्जांपल्स भी हमने करके देखे थे। और फिर मैंने आपको एक रीडिंग असाइनमेंट दी थी, जिसमें मेटा टाइटल और एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर, यूआरएल और टाइटल के बारे में रीडिंग असाइनमेंट थी। आई होप आप लोगों ने रीड कर ली होगी, अगर किसी बच्चे ने रीड कर ली है तो आई एम श्योर उसे बड़ी ईजीली समझ लग गई होगी। लेकिन अगर आपने रीड नहीं की तो आज जाकर ये दो लिंक आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। फिर हमने ये अलग चीज़ है, ओके, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। आज का जो लेक्चर है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अबाउट द मेटा टैग्स, ठीक है। आज हमने इन डिटेल स्टडी करने के मेटा टैग्स क्या हैं, ठीक है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेटा टैग्स, बहुत सारे डिफरेंट मेटा टैग्स हैं जिनका बहुत सारा डिफरेंट पर्पज़ है। वो सारे टैग्स हम आज वन बाय वन स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको उसका प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा और उसका यूजेज भी बताऊँगा कि इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या और कैसे करना है इसका यूज़, ओके। अच्छा, इससे पहले मैं वापस जाऊंगा इस पोस्ट में जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था। अच्छा, वो मैंने कर दिया स्टैटिक यूआरएल था ना, हाँ ये वाला, यस। देखें अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अब देखें बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैंने ये ग्रुप ओपन किया, अब मुझे एक असाइनमेंट थी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्टैटिक डायनेमिक यूआरएल के बारे में, अब वो कहीं नीचे चला गया होगा क्योंकि महीना पहले ये मैंने आई थिंक क्वेश्चन आपसे पूछा था। अब अगर मैं ढूंढना शुरू कर दूं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें एक सर्च का ऑप्शन होता है, ये वाली चीज़। अगर मुझे एक भी कीवर्ड याद है ना, मुझे इतना याद है कि मैंने उसके अंदर स्टैटिक का वर्ड यूज़ किया था, मैंने वो लिख कर सर्च किया, देखें ये टॉप पर वही चीज़ आ गई, व्हाई डू यू यूज़ डायनेमिक यूआरएल फॉर द पेजिनेशन एंड सर्च पेजेस। हालांकि मैंने स्टैटिक का वर्ड इसमें यूज नहीं किया, लेकिन कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने स्टैटिक का वर्ड यूज कर रखा है, तो इस वजह से इसने स्टैटिक के वर्ड पे भी इसको उठा कर ले आया, समझ लगे। चलें जी, आज हम मैं पहले इसका ये देखता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपने क्या क्या आंसर किया और मैं आपको उसकी रिप्लाई करता जाता हूँ, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ जी।
में से मोस्ट रिसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा एक नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन दिया जी समर इजाज, इन्होंने कहा डोंट नो मच मोर आई गेस फॉर एंगेजिंग द रीडर्स डाटा ऑन डायनेमिक वेब पेजेस कैन बी चेंज इजिली, डायनेमिक वेब्स हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं जी ये गलत बताया आपने, हम डायनेमिक वेब पेजेस की बात ही नहीं कर रहे, हम तो डायनेमिक यूआरएल की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली कि पेजिनेशन और सर्च पेजेस के लिए डायनेमिक यूआरएल यूज क्यों करते हैं, बाकी पेजेस के लिए तो हम डायनेमिक यूआरएल यूज ही नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी djx.com, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं चला जाता हूँ अर्निंग गाइड्स में, अब ये देखें क्या ये डायनेमिक यूआरएल है या स्टैटिक यूआरएल है। ओके कोई एक आर्टिकल भी ओपन कर लेते हैं, चलें जी यही आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, अब बताएं ये डायनेमिक यूआरएल है या स्टैटिक यूआरएल है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अब अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कुछ फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, अब ये बताएं ये स्टैटिक यूआरएल है या डायनेमिक यूआरएल है। अब ये वाला जो यूआरएल है ना जो मैंने किसी एक पोस्ट का या ब्लॉग का रखा हो ये तो है स्टैटिक यूआरएल, लेकिन जब मैं आता हूँ यहाँ पर सर्च वाले लिंक पर ये डायनेमिक है। देखें ये आ रहा है ना क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू फिर आगे क्यूरी लिखी हुई है मैंने, ठीक है तो ये डायनेमिक यूआरएल है। तो भाई मैंने ये पूछा था कि नॉर्मली हम पूरी वेबसाइट में स्टैटिक यूआरएल ही यूज करते हैं हर पेज के लिए, लेकिन पर्टिकुलरली सर्च पेज और पेजिनेशन वाले पेज, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्निंग गाइड में देखूँ तो पेजिनेशन बने हुए हैं, अब कुछ आर्टिकल मैंने शो कर दिया कुछ मैंने नेक्स्ट पेज पे ले गया, अब यहाँ पर जब क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसका डायनेमिक यूआरएल बन जाता है, ठीक है। ये मैंने पूछा था कि ये हम क्यों बनाते हैं पेजिनेशन और सर्च पेजेस को डायनेमिक यूआरएल, बाकी हमारी जो वेबसाइट है वो डेफिनेटली डायनेमिक वेब पेजेस ही होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर इसमें नहीं इन्होंने दिया हुआ। ओके जी नेक्स्ट पढ़ते हैं, फॉर द प्रोडक्ट पेजेस ब्लॉग पोस्ट पेज एंड फॉर अ पोस्ट इफ कंटेन मोर देन वन पोस्ट देन वी यूज डायनेमिक पेजिनेशन यूआरएल। नहीं जी वन पोस्ट से ज्यादा हो तो डायनेमिक पेजिनेशन यूज नहीं करते, अगर उस पेज से ज्यादा हो, अगर उस पेज पे मैंने 10 आर्टिकल या 10 पोस्ट शो किए हैं उससे ज्यादा होंगी तो फिर डायनेमिक पेज यूआरएल बनेंगे। इट्स यूनिक सेंटेल गूगल बोट, इट्स नॉट डुप्लीकेट कंटेंट, इट्स सब पार्ट ऑफ द। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, गूगल को नहीं पता चलता ये सब पार्ट है, ये भी हमें खुद बताना पड़ेगा गूगल को कि भाई ये डुप्लीकेट नहीं है ये सब पार्ट है, लेकिन उसका एक तरीकेकार होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा ऑन साइट में, ज़रा डिटेल में पढ़ाऊंगा लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर एक और कमेंट है जी सर, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ निच या पेजेस हों तो इस वक्त हमें पेज को चूज करने के लिए कौन सा पेज व्यू करना है हमने। अच्छा ये तो आपने क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा इस वक्त ही डायनेमिक यूआरएल यूज करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इफ मोर देन वन ब्लॉग पोस्ट आर पब्लिश विद द सेम इंटेंट देन वी यूज डायनेमिक यूआरएल। नहीं जी पहली बात तो ये कि अगर इंटेंट सेम है तो हम एक से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट ही नहीं करेंगे, अगर हम कर रहे हैं एक से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं सेम इंटेंट के कीवर्ड के ऊपर तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, मिस्टेक है, हम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और हम अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। चलें जी एक और कमेंट है जी, द सेम कंटेंट मे बी री रिट्रीव मल्टीपल टाइम्स बाय द क्रॉलर ऑफ गूगल, थिंक टू यूआरएल्स आर डिफरेंट बट रिजल्ट इन द सेम पेज बीइंग रिटर्न, दिस कैन शो स्लो डाउन द क्रॉलिंग ऑफ द पेज एंड पुट एडिशनल लोड ऑन द पेज एंड सर्व्स नो बेनिफिट। ठीक हो गया जी, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग दिस 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 एस के यू, ये इसने डायनेमिक यूआरएल बना दिया, मे रिटर्न द सेम पेज बट गूगल कैन नॉट डिटर्मिन बाय दिस लोग यूआरएल। जी ठीक है ये आपकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने पढ़ाई है, लेकिन इसमें रीजन कहाँ है कि डायनेमिक यूआरएल हम यूज क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड यूजिंग द डायनेमिक यूआरएल फॉर पेजिनेशन एंड जो भी ऊपर मैंने कहा हाउ डुप्लीकेट के एरर को कंट्रोल। जी बिल्कुल ये डुप्लीकेट के एरर को ही कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन कैसे रोबोट डॉट एक्स फाइल में अलाउ डिस अलाउ वाला ऑप्शन जो हम ओके करते हैं वो स्टैटिक यूज करते हैं जिस जिस जिस, हाँ ये समहाउ ठीक है। ओके ये कुछ कुछ ठीक है, मे बी गूगल क्रॉलर गेट सिग्नल टू गेट रेडी फॉर लोडिंग द नेक्स्ट पेज। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, इफ इट कैन इफ द कंटेंट ऑफ द साइट इज स्टोर्ड डेटाबेस एंड पुल्ड फॉर डिस्प्ले ऑन पेज चीज ऑन डिमांड दिस इज वाई वी यूज। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है,
डायनेमिक यूआरएल इज अ स्टैटिक वैल्यू ऑफ यूजर इंटरफेस ये क्रिएट करते हैं कि पेजिनेशन आर सर्चेस में ताकि हमें बेटर सर्च रिजल्ट मिल सके। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंटली अपडेटिंग द साइट लाइक ऑनलाइन शॉपिंग। नहीं जी नहीं 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 नहीं, किसी ने आंसर नहीं किया जी इसका सही। ओके चलें जी, अब मैं बताता हूँ आपको। अभी मेटा टैग्स हमने स्टडी करने हैं, उसमें कैनोनिकल टैग का टैग है, वो भी सेम पर्पस के लिए होता है। अच्छा, एक रोबोट फाइल होती है हमारी, जैसे कि dgs.com/robots.txt। अच्छा एक ये है, बेसिकली मैं चलें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन इन डिटेल हम इसको स्टडी करेंगे जब मैं रोबोट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? उसमें जरा इन डिटेल जाके हम स्टडी करेंगे इसको। ओके, देखें जो स्टैटिक यूआरएल होते हैं ना, ये गूगल को रीड करना, क्रॉल करना, इंडेक्स करना, सर्व करना आसान है एज कंपेयर टू डायनेमिक यूआरएल, ठीक है? डायनेमिक यूआरएल में सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू, ये सारे एक एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं, ये गूगल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं कि फौरन इंडेक्स हो जाएं, और वो यूआरएल या वो पेजेस मैं लोगों को सर्व भी करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आर्टिकल का लिंक है, मेरे सर्विसेज के लिंक हैं, मेरे ट्रेनिंग्स के लिंक हैं, मेरे प्रीवियस वर्क है, मेरा जॉब से रिलेटेड है, ये सारे लिंक्स मैं सर्व करना चाहता हूँ ना गूगल में यूजर्स को, तो इन यूआरएल्स को मैं स्टैटिक यूआरएल बनाऊंगा हमेशा। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि ये इंटरनेट सर्च वाला क्यूरी वाला लिंक मेरा गूगल में आ जाए, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी कंटेंट होगा ये डुप्लीकेट होगा। आप देखें इस पेज पे जो भी कंटेंट है वो ये वाला है ना सिर्फ, अब ये वाला कंटेंट कहाँ पड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी इस पेज के ऊपर पड़ा हुआ है, ये देखें ये वही कंटेंट है उठा के जो यहाँ ले आया। अब इसका यूआरएल और इसका यूआरएल दो डिफरेंट है, अब मैं चाहता हूँ ये तो चले इंडेक्स करवा लूँ, लेकिन ये इंडेक्स ना करवाऊँ कभी भी। यू गेटिंग माई पॉइंट भाई? अब चूंकि कंटेंट सेम है दोनों पे, तो ये डुप्लीकेट कंटेंट हो जाएगा, एरर आ जाएगा गूगल में। तो अब मैं उस एरर को बचने के मुख्तलिफ तरीके हैं मेरे पास, बहुत सारे तरीके, उनमें से एक तरीका है रोबोट का, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, अगर इसका यूआरएल मैंने डायनेमिक बनाया तो मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं जैसे ये वाला लिंक है ना, चले ये मैं रोबोट फाइल खोल के यहां से आपको दिखाता हूं। अब जैसे ये देखें, ये मैंने एक ये देखें, अब मैंने क्या किया, जैसे ये पेजिनेशन वाला लिंक है ना, अब मैं चाहता हूं कि भाई ये वाला लिंक तो इंडेक्स हो जाए, ये वाला जो है अर्निंग गाइड, और इसके जो नेक्स्ट पेजेस है ना ये इंडेक्स ना हो, क्योंकि ये सारा वही कंटेंट है जो ऑलरेडी मैंने इंडेक्स करवा रखा है। तो मैंने इसका लिंक क्या बना लिया, डायनेमिक बना दिया, ठीक है? अब इसका फायदा क्या होगा कि ये डायनेमिक लिंक ब्लॉक करना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं एक सिंगल लाइन से इंस्ट्रक्शन पास कर सकता हूँ गूगल क्रॉलर को कि भाई ये वाले डायनेमिक यूआरएल जो है, ये डायनेमिक लिंक जो है, ये आपने रीड नहीं करने, इंडेक्स नहीं करने। उसके ये देखें, ये मैंने कमांड लिखी हुई है कि भाई ये डिसअलाउ कर दो, कौन से पेज, स्लैश के बाद यानी कि डॉट कॉम के बाद, स्टैटिक का मतलब ये कि यहाँ कुछ भी कंटेंट हो सकता है, कोई भी कंटेंट लिखा हो, और उसके बाद अगर ये वाला वर्ड आ जाए क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू, और उसके बाद भी कुछ भी लिखा हो, वट एवर 1 2 5 9 ए बी सी एक्स वाई जी, अगर उस यूआरएल के अंदर ये वाली चीज आ जाती है क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू, तो ये आपने डिसअलाउ कर देना, ब्लॉक कर देना। ये देखें ये वाली चीज इसमें एग्जिस्ट करती है, ये वाली चीज। अब इससे पहले ये वाला डाटा उसने स्टैटिक के थ्रू उठा लिया, ये भी स्टैटिक के थ्रू उठा लिया, स्टैटिक का मतलब ये कि भाई कुछ भी हो सकता है इससे पहले और इसके बाद, ठीक है? अगर किसी पेज में ये वाला आपको वर्ड्स मिल जाते हैं, यूआरएल मिल जाते हैं, तो उसको ब्लॉक कर दो। मैंने इसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैं कभी भी पेज टू इंडेक्स नहीं करवाना चाहूंगा, मैं यही चाहूंगा कि अगर इंडेक्स हो तो अर्निंग गाइड वाला पेज इंडेक्स हो जाए, सिंपल।
तो इसलिए मुझे ये बाकी के पेजेस को इंडेक्स करने के लिए, अवॉइड करने के लिए गूगल को इंस्ट्रक्शन देना डायनेमिक यूआरएल में ज्यादा आसान होता है ब्लॉक करना। मैंने वैसे भी इसे इंडेक्स नहीं करवाना, और हमने ये देखा था कि स्टैटिक यूआरएल इंडेक्स करवाने के लिए ज्यादा यूजफुल है, और एक पेज में इंडेक्स नहीं करवाना चाहता तो मैं स्टैटिक क्यों बनाऊं, डायनेमिक में मुझे ज्यादा फायदा, उसको ब्लॉक करना आसान है मेरे लिए। इसी तरह अब जैसे अगर सर्च क्यूरी होगी, ठीक है ये वाला, अब इसका भी ये लिंक बन जाएगा ना, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं ये वाली कमांड लिखूंगा क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू, मैं कहूंगा कि भाई जिस भी यूआरएल में क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू आए, आगे पीछे स्टैटिक लगा दूंगा, उसको डिसअलाउ कर दूंगा। ये वैसे मैंने डिसअलाउ नहीं किया हुआ, ये मेरे ख्याल में मैंने खत्म किया था कोई चीज एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो यहाँ एक और लाइन लिख दूंगा, डिसअलाउ कालन स्लैश स्टैटिक क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू, तीन फैक्टर लिखूंगा, क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू स्टैटिक। ये वाले भी जितने पेजेस होंगे, जितने भी पेजेस होंगे सर्च वाले, ये भी ब्लॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। भाई अब देखें ये कितने यूआरएल मेरी वेबसाइट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये वाले, हाउ मेनी यूआरएल कैन एग्जिस्ट इन माय वेबसाइट। चलें जी जल्दी से आंसर करें कि इस तरह के कितने यूआरएल dgapps.com में एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू इंटरनेट, नहीं सॉरी इंटरनेट नहीं, ये क्वेश्चन मार्क यानी कि सर्च वाले, ये वाले क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू, यानी कि कोई चीज सर्च की हो, कितने मैनी मैनी, कितने मैनी, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 5000, 10000, मोर देन 50, ओके 10, ओके, और कितने कीवर्ड और कितने यूआरएल हो सकते हैं टोटल, जल्दी जल्दी जल्दी, ये वाले सर्च वाले यूआरएल टोटल कितने हो सकते हैं पॉसिबल मैक्सिमम, 1, 5। भाई जल्दी जल्दी आंसर करें, बाकी लोग क्या सोए हुए हैं, जल्दी से, अनलिमिटेड 1000 जितने पेज होंगे, ओके जी, अभी तक एक ही बच्चे का आंसर ठीक है जी, अनलिमिटेड। भाई मैं जो मर्जी सर्च करता रहूं यहां उसका पेज बनता रहेगा, उसका कंटेंट मेरे पास है या नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी सर्च किया, देखें उसका यूआरएल तो बन गया लेकिन उसका कंटेंट नहीं आया, एम्प्टी पेज आ गया सिंपल। तो ये तो अनलिमिटेड है, यहां मैं कुछ भी लिखूं, एक्स वाई जी लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई जी का ये देखें यूआरएल बन गया। अब अगर मैं इन पेजेस को ब्लॉक नहीं करूंगा तो गूगल के पास तो मेरे लाखों करोड़ों यूआरएल बन सकते हैं जो कि इस तरह के होंगे, जो एम्प्टी यूआरएल होंगे, जो कि मेरी वेबसाइट की एसईओ का बेड़ा गड़ा करके रख देंगे। तो मैं यही चाहूंगा ना कि भाई ये वाले यूआरएल ब्लॉक हो जाएं, ये इंडेक्स ना हो, और इनको ब्लॉक करना मेरे लिए ज्यादा आसान तब हो जाएगा जब मैं इसको डायनेमिक यूआरएल बनाऊंगा। अब देखे मैंने इसकी जगह स्टैटिक लिख दिया ना कि भाई क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू, ये तीन करेक्टर किसी भी यूआरएल में आए उससे आगे पीछे जो भी हो ब्लॉक करते जाए, तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा, सिंपल रोबोट वाले पेज में जाके सिंगल लाइन मैंने कमांड पास करना है। ये अभी आप कंफ्यूज ना कीजिएगा रोबोट्स को, ये मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाना है अभी आपको, तो जब ये मैं रोबोट्स वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको बड़े इजीली समझ लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ लग गई आपको कि क्यों मैं सर्चेज वाले या पेजिनेशन वाले पेजेस को स्टैटिक यूआरएल के बजाय डायनेमिक यूआरएल रखना प्रेफर करता हूं। क्लियर है यहां तक, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें वरना हम मेटास के टॉपिक को शुरू करते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, चलें जी आगे शुरू करें। चलें जी, आज का हमारा टॉपिक है मेटा टैग्स। हम देखते हैं जी, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा टैग्स। चलें जी, ये एक वेबसाइट है मेटा टैग्स डॉट ओआर जी, बड़ी मजे की वेबसाइट है जी ये, इसको ओपन कर लेते हैं, इधर से स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ये ओपन रहे, ये देखें ये एक वेबसाइट है मेटा टैग्स डॉट ओआर जी, इसमें ऑल मेटा टैग्स की ऑप्शन दी हुई है, हमने ये तमाम मेटा टैग्स की लिस्ट ओपन कर ली, ठीक है। ये है जी ओवरव्यू, ये देखिए ये सारे मेटा टैग्स हैं, टाइटल टैग, मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, अल्टरनेटिव
टेक्स्ट, कैनोनिकल टैग, हेडर टैग, मेटा नेम एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कॉन्टैक्ट, कॉपीराइट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपायर्स, जनरेटर, गूगल बोट, कीवर्ड, लैंग्वेज, न्यू कीवर्ड, न्यूज कीवर्ड्स, नो ईमेल, रेटिंग, रिप्लाई टू, रिविजिट आफ्टर, स्लर्प, वेब ऑथर, कैशे, कॉन्टेंट, कुकीज, डिस्पोजिशन, इमेज टूल बार एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी टैग्स। ये देखिए, ये सारे के सारे गूगल के मेटा टैग्स हैं। गूगल इन मेटा टैग्स को बकायदा रीड करता है और इनके अगेंस्ट एक्शन लेता है, इनके अकॉर्डिंगली एक्शन लेता है, जैसी कमांड आप पास करते हैं। ठीक है, ऑन पेज के अंदर ये मेटा टैग्स बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। देखिए, हमने एक मेटा टैग कल स्टडी किया डिटेल में, कौन सा था? मेटा टाइटल। ये देखें, ये भी मेटा टैग ही था ना जो हमने स्टडी किया था, मेटा टाइटल रूल्स। ये देखें, इसने सबसे ऊपर ये लिखा हुआ टाइटल टैग, क्लियर है ये चीज। अब अगर मैं इसको टाइटल टैग को ओपन करता हूं तो देखते हैं ये क्या करता है। ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं मुझे, ये बताता है टाइटल टैग क्या है, उसके एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके की टेक अवेज बताता है कि भाई इसके की पॉइंट्स क्या है। ठीक है, और इसके एसईओ इन्फ्लुएंस बताता है 100%, यानी कि गूगल में इसका 100% रोल है। ठीक है, इसका एसईओ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है गूगल की नजर में। ठीक है, बड़ी मजे की वेबसाइट है ये, बहुत आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये ओवरऑल इन्फ्लुएंस भी बताता है। ठीक है, ये ओवरऑल जो टाइटल का इन्फ्लुएंस है ना एसईओ में, वेबसाइट एसईओ स्कोर में, दैट इज 15%, दैट इज टू मच। फिर डिस्क्रिप्शन का ये बताता है, दैट इज अबाउट 10%। फिर 75% रेस्ट ऑफ द वेबसाइट का होता है, और इसका जो एक्चुअल इन्फ्लुएंस मीटर है वो 100% है। फिर ये देखें, वो बताता है कि भाई ये कितनी लेंथ, ये देखें, ये वही बात हुई ना जो हमने लास्ट टाइम की थी, 55 to 64 करेक्टर बता रहा है। वो कहता है ये कीप अंडर 60 के राउंड होना चाहिए बस। ये फिर बाकी ये बताता है ये कैसे, और इसमें क्या क्या होना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, सेकेंडरी कीवर्ड होना चाहिए, पाइप के बाद वो कहते हैं ब्रांड नेम भी आप लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा था ना कि पाइप सिंबल आप यूज कर सकते हैं, याद है? ये देखें, ये हमने ये पढ़ा था कि यूज ऑफ स्पेशल कैरेक्टर में हम सिर्फ डैश और पाइप सिंबल यूज कर सकते हैं। ये देखें, हमने भी ये तकरीबन 60 कैरेक्टर्स कहा था अप्रॉक्सीमेट, 2-4 कैरेक्टर कम भी हो सकते हैं, 2-4 कैरेक्टर ज्यादा भी हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर। फिर ये चीजें उसको बता रहा है जी, ओके। फिर ये उसके सारे के सारे रूल्स बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे होने चाहिए कीवर्ड्स। ये देखें, ये उसने फिर एग्जांपल बताया कि गूगल में इस तरह डाटा नजर आता है। ये जो लाइन है ना ऊपर वाली, दिस इज नोन एज मेटा टाइटल। ठीक है, तो फिर ये वो बता रहा है कोड के अंदर इसका कोड कैसा होगा, ऐसा होगा टाइटल मेटास पे। ये टाइटल का टैग देके हेडर के अंदर, ये हमने पढ़ा था ना हेडर टैग के, हेडर के अंदर हम ये देखें HTML, HTML के अंदर हेड, हेड के अंदर बॉडी, हेड के बाद बॉडी, या HTML में फिर हेड, हेड के अंदर ये हम फिर एक टाइटल का टैग बनाते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं दिस इज माई मेटा टाइटल, जो भी हमने टाइटल देना है टाइटल दे के फिर टाइटल का टैग क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एक्चुअल टाइटल आता है जो 50-60 कैरेक्टर्स का मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल इसी तरह। और ये चीज़ ये देखें, ये आपको बताता है कि भाई ये चीज़ टाइटल है। फिर अगर HTML कोड अगर वो करना हो तो वो कहते हैं जिस तरह ये कोड होगा एडवांस वर्जन। फिर ये बताता है कि इसमें आप कौन कौन से पेजेस का कैसे कैसे ये बना सकते हैं। ये देखें, ये सारा उसने एग्जांपल्स दे दे के। अगर आप इस वेबसाइट को जरा डिटेल में तसल्ली से स्टडी कर देना, सिर्फ ये वाले पेजेस, तो आपका इतना नॉलेज एक्सपैंड हो जाएगा कि आपको मेटा टैग्स के बारे में कोई इश्यू नहीं होगा होपफुली। और इसमें भी ये सारे टैग स्टडी करने की जरूरत नहीं है, इनमें से बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, जैसे कि मेटा टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडर इंपॉर्टेंट है, अब्स्ट्रैक्ट का ऑब्सोलीट हो चुका है, ऑथर भी अब यूज नहीं होता, कॉपीराइट ठीक है ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ओके अब बता दें, एक्सपायर्स, जनरेटर, गूगल बोट, कीवर्ड्स ये भी अब वो हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, अब फिर ये रिविजिट आफ्टर ये ख़त्म कर दिया गूगल ने। ठीक है, ये अब इस तरह। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब मैं यहाँ जाता हूँ ना ऑल मेटा टैग्स पर, तो इसने इस इन टैग्स को 4 हिस्सों में डिफाइन किया। द वन इज द इम्पोर्टेंट, वो कहते हैं इंपॉर्टेंट टैग्स कौन कौन से हैं, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, सोशल मीडिया टैग जिसे OG टैग कहते हैं, लास्ट टाइम हमने देखा था, अल्टरनेटिव ऑल टैग्स ठीक है, फिर मेटा नेम रोबोट ठीक है, रोबोट का टैग,
फिर वो कहते हैं द अननोन, ये कुछ अननोन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनोनिकल टैग, रिस्पॉन्सिव डिजाइन टैग, हेडर टैग्स। ये तो ऐसे 8-10 टैग्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर वेबसाइट के अंदर होना जरूरी है। फिर ऐसे टैग जो गूगल ने एक्सपायर कर दिए, अब आप इन्हें लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से? कीवर्ड्स का टैग गूगल ने खत्म कर दिया। गूगल कहता है अब आप मुझे कीवर्ड मत बताएं, अब मैं इतना इंटेलिजेंट हो गया हूं कि मैं आपके कीवर्ड खुद ढूंढ सकता हूँ। एक वक्त होता था जब गूगल कहता था भाई आप मुझे अपने कीवर्ड बताएं कि आप किन कीवर्ड्स पर अपनी वेबसाइट पर रैंक करना चाहते हैं, तो उस वक्त ये गूगल ने हमें एक मेटा टैग दिया था मेटा नेम कीवर्ड्स के नाम से। लेकिन अब गूगल बहुत एडवांस हो चुका है, अब गूगल कहता है आपको बताने की जरूरत नहीं है तो मैं कीवर्ड खुद निकाल सकता हूँ। फिर री विजिट आफ्टर, ये देखे ना बेसिकली गूगल क्रॉलर आपकी वेबसाइट विजिट करता है ना, गूगल क्रॉलर आपकी वेबसाइट विजिट करता है, रीड करता है, फिर ही इंडेक्स करता है ना, अंडरस्टैंड करके। ये चीजें देखे ना हमने इन डिटेल स्टार्ट में स्टडी की थी, याद है आपको कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। ठीक है, इफ यू आर रिमेम्बर एनी ये चीज कहाँ स्टडी की है, यस ये देखें ये चीज से ना हाउ सर्च इंजन वर्क्स। तो भाई सबसे पहले क्रॉल करना, क्रॉल किसे कहते हैं, रीड करना, ठीक है, ये रीड करता है। फिर दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंड करता है कि ये है क्या चीज। फिर तीसरे नंबर पे इंडेक्स करता है यानी कि सेव कर लेता है अपने पास। फिर चौथे नंबर पर सर्व करता है यानी कि रैंकिंग देता है। ये चार पार्ट हमने पढ़े थे सर्च इंजन के, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करते थे, गूगल पहले ये हमें बताता था कि मुझे बताओ कि मैं कब कब रीड करूँ, रीविजिट यानी कि कब दोबारा आऊँ पढ़ने के लिए। एक दफा मैंने पढ़ लिया, गूगल कहता था भाई अब आपने इस कंटेंट को कब अपडेट करना है वो मुझे बता दे, मैं दोबारा आके पढ़ लूंगा और उसको भी इंडेक्स कर दूंगा, आपका अपडेटेड कॉन्टेंट जो होगा अगर आपने कोई चीज चेंज करनी है, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त था जब गूगल बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था, ठीक है, उस वक्त ये यूज होता था रिविजिट आफ्टर का। लेकिन अब गूगल बहुत एडवांस हो गया, अब गूगल कहता है भाई अब आप मुझे ना बताओ कि मैं कब आकर आपकी वेबसाइट पढ़ूं, अब गूगल कहता है मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि कब आपकी वेबसाइट अपडेट होती है, कितना टाइम के बाद आप अपडेट करते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली आकर आपकी वेबसाइट को स्टडी कर लूंगा, ठीक है। अब ये भी खत्म हो गया। इसी तरह गूगल बोट का एक टैग होता था, नो ईमेल का टैग होता था, इग्नोर, काफी सारे इस तरह के टैग्स होते थे जो एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। ये चीजें हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, आपको ये चीजें पता चल जाएंगे। अब ये देखें ये सारे वो टैग हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। फिर इसी तरह आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट टैग्स में ये वो इम्पोर्टेंट टैग्स हैं जो आपके लिए जरूरी है जानना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम तमाम टैग्स को स्टडी करते हैं पहले, फिर मैं आपको वन बाय वन बताता जाऊंगा कि ये आपको यूज करना यूजफुल है या नहीं। क्लियर हो गया ये चीज आपको? ओके चलें जी। हाँ मेटा टाइटल आपको समझ लग गया, मेटा टाइटल तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो लास्ट लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया था मेटा टाइटल, ठीक है। अच्छा उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये देखें वो कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम वही रूल्स हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि एक तो इसकी दो चीजों का फर्क है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में। चलो ये मैं आपको बता देता हूँ, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में कौन सी चीज का फर्क आता है, एक तो लेंथ का फर्क आता है, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट कहते हैं कि दिस लेंथ शुड बी अप टू 160 करेक्टर्स, क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई गूगल के पास टू लाइंस हैं आपका डाटा शो करने के लिए, ये दो लाइंस होती हैं और इन दो लाइंस में तकरीबन 160 के करीब करेक्टर आ जाते हैं। ऊपर वाली लाइन में सिर्फ 50-60 आते हैं क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, नीचे वाली लाइन में उसके अकॉर्डिंगली कोई तकरीबन 80 करेक्टर्स आ जाते हैं क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। तो वो कहते हैं दो लाइन्स में ऑलमोस्ट 160 करेक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन मैं इस चीज पर इक्तफा नहीं करता, मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी हैं जिनको गूगल दो लाइंस के बजाय दो से ज्यादा लाइंस दे देता है, वो उनको देता है जिनका मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी होती है, ठीक है।
ये मैंने काफी सारी वेबसाइट देखी हैं, और इवन बहुत सारी वेबसाइट ये कहते हैं कि आप अप टू 300 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं। एक तो ये कि अगर आपको गूगल गूगल को आपका लिखा हुआ कंटेंट अच्छा लग गया तो वो 2 की बजाय 3 लाइंस और 3 की बजाय 4 लाइंस भी आपको असाइन कर सकता है, तो आपको ज्यादा कंटेंट शो करने का मौका मिल जाता है। नंबर टू, अगर आपने 160 से ज्यादा करेक्टर लिखे होंगे तो गूगल आप उसमें से जो भी बेस्ट होगा वो उठा के शो कर देगा, बाकी छोड़ देगा। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो मेरे ख्याल में आप अगर 150 से 160 करेक्टर्स तक लिख लें तो दैट इज मोर देन, ठीक है, 150 से 160 करेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस। स्पेस भी एक करेक्टर काउंट होता है। और इसमें दूसरा ये होता है कि बेसिकली मेटा टाइटल जो था वो सिर्फ कीवर्ड रिच था, हमने सिर्फ कीवर्ड्स को कंबाइन किया होता है। ये क्या होगा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा बेसिकली ना, डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा यानी कि इन दी फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस होगा, ठीक है। ये सेंटेंसेस जैसे बनाते हैं ना उस शक्ल में होगा। अब जैसे देखें ये कोई सेंटेंस तो नहीं है, अब चलें जी हम आते हैं। अब ये देखें ये कोई सेंटेंस है, बिगनर्स गाइड टू एसईओ, ये सेंटेंस तो नहीं है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन विकिपीडिया द अल्टीमेट गाइड टू एसईओ इन 2021, ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, ये देखें ये सेंटेंस है, द गोल ऑफ एसईओ इज टू एक्सपेंड आवर कंपनीज विजिबिलिटी इन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट, ये पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। दिस गाइड इज डिजाइन टू डिस्क्राइब ऑल मेजर एस्पेक्ट ऑफ एसईओ फ्रॉम फाइंडिंग दी टर्म्स एंड फ्रेजेस कीवर्ड दैट जनरेट क्वालिफाइड ट्रैफिक, ठीक है। बस ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में। तीसरा एक डिफरेंस जो आ सकता है वो स्पेशल करैक्टर की शक्ल में आ सकता है, ठीक है। हमने बेसिकली मेटा टाइटल में देखा था कि सिर्फ दो करैक्टर्स अलाउड हैं, द डैश और पाइप, इसके अलावा मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर नहीं है, प्रेफर यही दो है। लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन में ऑल स्पेशल करैक्टर अलाउड है, ऑल स्पेशल करैक्टर अलाउड, आप इनको यूज कर सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम। बस ये 3 चीजों का फर्क है, बाकी 100% सेम वही रूल है जो मेटा टाइटल के हैं। क्लियर होगी ये चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम? ओके ठीक। अब देखें यही चीज ये वेबसाइट metatags.org आपको बताती है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही है, और इसका इन्फ्लुएंस 100% है, यानी कि इसको लाजमी यूज करना है। एसईओ इन्फ्लुएंसर मीटर आपको एक मजे की बात ये बताता है, जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होना तो मतलब ये है कि भाई इसका रोल है एसईओ रैंकिंग के अंदर, तो आप इस वाले टैग को प्रॉपरली लिखें और उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करके लिखें, यानी कि रिसर्च करके लिखें, ठीक है। फिर वो ये की पॉइंट भी आपको बता रहा है कि भाई कॉल टू एक्शन होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, कॉल टू एक्शन होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी वही रूल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए थे। ये देखें याद है ये वाले, कि भाई यूनिक होना चाहिए, हर पेज के लिए सेपरेट होना चाहिए, कीवर्ड रिच होना चाहिए यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड यूज करने चाहिए, एक स्पेसिफिक लेंथ है, टाइटल के 60 करेक्टर है और डिस्क्रिप्शन के 160 करेक्टर है, फिर ये कॉल टू एक्शन होना चाहिए, इमोशनल इवोकिंग होना चाहिए, कोई प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, कोई क्यूरियोसिटी हो, फिर स्पेशल करेक्टर का यूज मैंने आपको बताया था, टाइटल में डैश और पाइप, और मेटा डिस्क्रिप्शन में तमाम करेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं। ये वही रूल्स हैं जो यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, ये देखें, इट इज लाइक दी ABC, यानी कि वो कहते हैं ये बहुत आसान है, बहुत आसान, वेरी इजी। क्लियर होगी ये चीज, और वो कहता है इस चीज को डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ये जो नीचे 2 लाइंस गूगल में शो होती हैं, दिस इज डिस्क्रिप्शन, दिस इज नोन एज मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये फिर उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, फिर इसका कोड कैसे होगा, वो इस तरह से कोड होता है, ठीक है, ये भी बताता है आपको, ये फिर उसके एग्जाम्पल्स करके आपको बताता है। अगर ये सिर्फ कुछ चीजें आप इन डिटेल स्टडी कर लें तो आई एम श्योर आपको मेटा टैग्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। चलें जी मैं इसके मेटा टैग आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ जी।
होम पेज हम ओपन कर लेते हैं, या बल्कि एक मिनट चलें पहले दिखा देता हूँ। कंट्रोल यू करते हैं, सोर्स कोड खुल जाता है। ये देखें, ये हमने लास्ट टाइम भी ओपन किया था। इसमें ये देखें, ये सारे के सारे मेटा टैग्स हैं। ये HTML शुरू हुई, हेड शुरू हुआ, यहाँ से मेटा शुरू हो गया। ये करेक्टर सेट का मेटा है, ये व्यू पोर्ट का है यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है, ये एप्पल के लिए यूज़ किया हुआ है हमने, मोबाइल्स के लिए यूज़ किया हुआ है। ये टाइटल, ये देखें, ये टाइटल का टैग मेटा टाइटल के लिए यूज़ होता है। ये मैंने मेटा टाइटल लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट के होम पेज का, डिजिटल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान। ये मेरे कीवर्ड्स हैं, डिजिटल एप्लीकेशन तो मेरा ब्रांड नेम है, सॉफ्टवेयर कंपनी मेरा कीवर्ड है, सॉफ्टवेयर हाउस मेरा कीवर्ड है, सॉफ्टवेयर कंपनी इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान, ये मेरे दो कीवर्ड थे। इन दोनों को मिला के मैंने एक ही कीवर्ड बना दिया। ओके, फिर ये कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में एक टैग है, फिर कलर थीम के बारे में गूगल को बताने के लिए, ठीक है। ये फिर मैंने फेविकॉन का लगा, ये फिर लिंक, ये फिर कैनोनिकल का टैग है, ये भी आज हम स्टडी करेंगे। ये फिर टाइटल का टैग, फिर डिस्क्रिप्शन का टैग, ये देखें ये डिस्क्रिप्शन यूज हुई है डिजिटल। अच्छा, अब ये देखें, अब ये तो कोई सेंटेंस नहीं है ना ऊपर वाला, ये टाइटल है, टाइटल तो इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस है ही नहीं, ये तो सिर्फ कीवर्ड्स को मैंने कंबाइन करके लिख दिया। अब ये वाली जो चीज है ना, ये एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखी है, डिजिटल एप्लीकेशन इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान, DJS इज प्रोवाइडिंग वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्स डेवलपमेंट, SEO एंड कंटेंट राइटिंग सर्विसेज वर्ल्ड वाइड, डिजिटल एप्लीकेशन आल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बस ये मैंने एक सिर्फ दो लाइंस में पूरे का पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि डिजिटल एप्लीकेशन क्या है, कि भाई ये एक सॉफ्टवेयर हाउस है और ये सर्विसेज दे रहे हैं और ये ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब गूगल के लिए ये चीज समझना बहुत आसान है कि ये DGFs है क्या, क्यों है, इसका पर्पस क्या। और मजे की बात ये है कि ये वाली जो दो लाइंस हैं, ये आपको इस पूरे पेज में कहीं नजर ही नहीं आएंगे, कंटेंट में मैंने कहीं नहीं लिखी हुई ये दो लाइंस। ठीक है, कंटेंट में तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, ये देखें, ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने दो लाइंस में गूगल को बता दिया कि भाई ये पेज क्या है, ताकि वो जल्दी से पढ़कर समझ जाए कि उसे इस पेज में क्या नजर आने वाला है, क्या मिलने वाला है। क्लियर हो गया ये चीज? ओके जी, अब ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन तो आपको हर कंटेंट के साथ लिखना होता है, पब्लिश करना होता है। ये दो टैग तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने बनाना है इन एनी केस। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, उसके बाद फिर मैं बाकी के टैग्स आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। अच्छा जी, क्वेश्चन है, समटाइम गूगल डोंट शो द एग्जैक्ट मेटा डिस्क्रिप्शन। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, द रैंडम पिक्स द टैग्स फ्रॉम द कंटेंट दैट माइट नॉट कंटेन द एग्जैक्ट कीवर्ड, डज इट इंपैक्ट द रैंकिंग? जी बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि गूगल ये कहता है कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन आपने लिखी है वो यूजर के लिए यूजफुल नहीं है। और समटाइम ये होता है कि वही पेज है, सेम पेज है, दो डिफरेंट कीवर्ड से सर्च करके गए, एक कीवर्ड पे वही डिस्क्रिप्शन शो होगी जो आपने लिखी है, दूसरे कीवर्ड पर सेम पेज की डिस्क्रिप्शन गूगल चेंज कर देगा। गूगल को यह लगेगा कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो टारगेट आप ऑडियंस, जो ऑडियंस आप टारगेट कर रहे हैं ना, उसके लिए ये आपकी लिखी हुई डिस्क्रिप्शन ठीक है। लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जहां पे गूगल को लगेगा कि नहीं, ये दो लाइंस जो आपने लिखे ना, ये यूजफुल नहीं है इस वक्त गूगल को, यूजर को शो करना, क्योंकि इस वक्त यूजर का इंटेंट कुछ चेंज हो गया। तो गूगल क्या करता है, गूगल के पास आपका सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, गूगल उसमें से कोई भी रैंडमली दो लाइंस पिक कर लेता है, रैंडमली नहीं पिक करता, पिक करता है अपने एक इंटेलिजेंट सिस्टम की बेस पे, जो उसे लगेगा कि ये बेस्ट है इस वक्त यूजर को शो करना, वो खुद ब खुद शो कर देगा। ये काम गूगल आई थिंक कोई तकरीबन 1.5-2 साल पहले करना शुरू हुआ, उससे पहले नहीं ये काम करता था गूगल। गूगल उससे पहले सिर्फ वही डिस्क्रिप्शन शो करता था जो आप लिखते थे, लेकिन अब गूगल क्या करता है, जो आप लिखते हैं वो भी शो कर सकता है। अगर गूगल को वो डाटा आपका पसंद ना आया तो वो डिस्क्रिप्शन शो कर देगा जो उसे आपके कंटेंट में अच्छी लग गए। और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मे बी इसी साल या अगले साल या आने वाले कुछ ही अरसे में गूगल मेटा डिस्क्रिप्शन का टैग भी खत्म कर देगा, क्योंकि गूगल कहेगा कि अब मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है अपने पेज के समरी के बारे में, मैं आपका पेज पढ़ के खुद ही समरी निकाल के यूजर को शो कर सकता हूँ। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द मेटा डिस्क्रिप्शन का टैग भी खत्म कर देगा। लेकिन अगर खत्म हो या ना हो, भाई गूगल अगर खत्म कर भी दे तो सिर्फ क्या गूगल ही सर्च इंजन है, या हुए वाला है, बिंग है, देयर आर सो मेनी अदर सर्च इंजन,
वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, हमें उनके लिए टैग लिखना जरूरी है, तो हम ये लाजमी लिखेंगे। यही एक वाहिद रीजन है जिसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि अपना मेटा डिस्क्रिप्शन 150 करैक्टर्स तक ही महदूद मत कर दें, आप 300 करैक्टर्स तक यानी कि डबल भी लिख सकते हैं। हो सकता है उसे एक सेंटेंस एक सिनेरियो में पसंद आ जाए गूगल को, दूसरा सेंटेंस दूसरे कीवर्ड के लिए दूसरे सिनेरियो में पसंद आ जाए, तो दोनों तीनों सिनेरियोज में गूगल आप ही के मेटा डिस्क्रिप्शन को यूज कर रहा होगा, ठीक है, आपकी इवन दी हुई मेटा डिस्क्रिप्शन को भी गूगल मैनिपुलेट करके शो कर सकता है। अगर आपकी डिस्क्रिप्शन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती तो गूगल क्या करेगा, गूगल आपका कंटेंट आप ही का लिखा हुआ कंटेंट रीड करेगा और उसमें से जो लगेगा गूगल को कि ये बेस्ट है वो शो कर देगा, बाकियों को वो ओमिट कर देगा, खत्म कर देगा। क्लियर होगी ये बात? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मजीद। और ये फीचर कोई ज्यादा पुराना नहीं है, ये तकरीबन 1-1.5 साल से ये काम करना शुरू किया गूगल ने, उससे पहले नहीं ये काम करता था गूगल। अब क्योंकि गूगल इंटेलिजेंट होता जा रहा है, अभी ये उसका पायलट प्रोजेक्ट होगा, टेस्ट फेज में रखा होगा। गूगल कोई भी एक चीज बनाता है वो साल साल दो दो साल टेस्ट करता रहता है, जब उसे वो 100% मेक श्योर हो जाता है कि अब मैं परफेक्ट हो गया उस चीज को हैंडल करने में, फिर गूगल उसको अपसेलेक्ट कर देता है। जैसे मेटा कीवर्ड, पहले गूगल कहता था भाई कीवर्ड बताओ अपनी वेबसाइट के, फिर काफी अरसा तो मेटा कीवर्ड चलते रहे, उसके बाद गूगल कहता है अब बताने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद ही कर लूंगा। लेकिन फिर भी हम मेटा कीवर्ड लिख देते हैं, वो इसलिए लिख देते हैं कि भाई गूगल को नहीं, हो सकता कुछ छोटे सर्च इंजन ऐसे हैं जो अभी भी कीवर्ड्स को स्टडी करते होंगे तो उनके लिए लिख देते हैं, और इवन हमारे लिए भी इजी हो जाता है ऑर्गेनाइज करना, हमें पता होता है कि हमने किन किन कीवर्ड्स को टारगेट करना है। बस क्लियर होगी जी ये चीज? इसमें कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से, वरना फिर हम थोड़ा सा मजीद आगे मूव करते हैं। Is there any way to optimize meta description for featured snippets? अच्छा, featured snippets जो होते हैं ना वो meta description की base पे नहीं आते, एक चीज तो ये ज़हन में रखें। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि featured snippets होते क्या हैं, बहुत सारे लोगों को तो शायद ये भी नहीं पता होगा। What is SEO? For example, मैं सर्च करता हूँ। अच्छा नहीं है जी, advantages of SEO। ये वाला जो डाटा है ना, this is data is known as featured snippet। ठीक है, ये मेरा फीचर स्निपेट है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर स्निपेट, ये भी ध्यान में रखें, यही अकेला ही फीचर स्निपेट्स नहीं है, और बहुत सारे ऐसे स्निपेट्स होते हैं जिसे हम फीचर स्निपेट कहते हैं, यानी कि सर्च इंजन जो है ना उसे गूगल जो है ना वो आप ही का डाटा शो करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये डाटा आप देखें, उसने आपकी इमेजेस भी शो की फीचर स्निपेट्स में, उसने आपका काफी सारा कॉन्टेंट भी शो कर दिया। अब ये कॉन्टेंट मेटा डिस्क्रिप्शन से नहीं आता, ये आता है आपके एक्चुअल कंटेंट में से। अब ये देखें, अगर मैं इसको ओपन करूंगा ना तो ये सारा कंटेंट इसके अंदर लिखा होगा, और मजे की बात ये कि ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही जगह लिखा हो, ये इसी तरतीब में लिखा हो, गूगल खुद भी आपका डाटा उठा के उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसके रीऑर्डर करता है, रीफ्रेस तो नहीं वो करता है, रीऑर्डर करता है, वर्डिंग आपकी होगी लेकिन उसका ऑर्डर शॉर्डर सेट करता है। अब देखते हैं, अब देखें ये वाले You don't pay to SEO or SEO get more clicks. अब देखते हैं जी, ये as it is कहीं भी I hope नहीं लिखा होगा इसी तरह content. देखें, आपको पूरे पेज में ये इस तरह कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सारा कुछ लिखा हुआ है आपके इस पेज में ना। हम देखते हैं SEO targets quality traffic, ये कहाँ लिखा हुआ है, हम control F करते हैं, यहाँ लिखते हैं SEO targets, ये देखें, ये देखें, ये हेडिंग है और ये एक दफा ही यूज हुई है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने इस हेडिंग को उठाया और उसके साथ ये इसका थोड़ी सी डिटेल शो कर दी। उसे लगा कि यार अब मैं मजीद डिटेल नहीं शो कर सकता क्योंकि मैंने सिर्फ 5 बेनिफिट्स बताने हैं और उसके लिए ये हेडिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसने फौरन इसको पिक करके उसने एक और की फीचर्स का उठा लिया, यू डोंट नीड टू पे एड्स इन SEO। अब ये कहीं लिखा होगा, इसने हो सकता है कहीं हेडिंग बनाई हो या क्या है, देखते हैं जी। हाँ, ये देखें, ये हेडिंग बनाई हो, यस, ठीक है ना। अब इसने ये हेडिंग उठा ली, गूगल को लगा ये भी एक पॉइंट है। अब इसने इसी तरह ये हेडिंग्स, और ये मजे की बात, ये सारी हेडिंग भी नहीं उठाता, सम टाइम आपके हेडिंग उठाता है, सम टाइम आपके कंटेंट में से उठा के ये शो कर देता है और वो हेडिंग भी नहीं होती, ठीक है। जैसे SEO gets more click in PPC, देखते हैं जी, ये ठीक है, ये भी हेडिंग है। फिर SEO helps PR,
ये भी हेडिंग है। फिर यू कैन मूव अहेड ऑफ दी, ये हो गई, यू कैन मूव अहेड ऑफ द कंपटीशन, ये भी हेडिंग हो गई। साइट असेसमेंट, अब देखें ये साइट असेसमेंट इसकी, हाँ अब देखें ये इसमें हेडिंग खत्म हो गई, ये देखें। अच्छा अब ये देखें, ये इसने ये वाली हेडिंग नहीं उठाई, एसईओ गेट्स मोर क्लिक्स देन पीपीसी, नहीं ये भी उठाई उठाई, ये देखें इसने ये यहाँ पे हेडिंग इसकी खत्म हो गई, उसके बाद इसने खुद से अपनी बना ली कि साइट असेसमेंट, ऑनगोइंग ऑप्टिमाइजेशन, रिपेयरिंग एनालिसिस, ये उसने बेनिफिट से हट के उठा लिया। वो कहता है मोर आइटम स्टडी करना है तो इस पर क्लिक करें और ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा वैसे मजे की बात है, इसने यूआरएल बहुत ही बुरा बनाया हुआ है, सिंपल बेनिफिट्स बहुत बुरा यूआरएल है जी, अगर ये बहुत छोटा बनाना चाहता था तो इसको ये लिखना चाहिए था एसईओ बेनिफिट्स, इसे ये वाला यूआरएल बनाना चाहिए, ठीक है। इसने एसईओ का वर्ड ही यूज नहीं किया, लेकिन चूंकि इसका कंटेंट अच्छा होगा तो गूगल ने इसको फीचर स्निपेट्स में ले आया। अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे फीचर स्निपेट्स में आ जाए तो आपको सबसे ज्यादा क्लिक्स मिलेंगे, सबसे ज्यादा क्लिक्स मिलेंगे, क्लियर हो गया। तो ये चीज होती है। अब ये देखें, ये इसने एक और वेबसाइट का फीचर स्निपेट उठाया हुआ है, अब ये दो दो का, ये व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एसईओ, ठीक है, ये चीज होता है। और ये जो फीचर स्निपेट्स हैं ये आपके मेटा डिस्क्रिप्शन पे डिपेंडेंट नहीं होती, ये आपके बेसिकली कंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो आप वेबसाइट के अंदर कंटेंट बनाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आप अपना कंटेंट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें। अगर आपका कंटेंट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है सर्च इंजन के लिए, तो वो क्या करेगा, वो खुद ब खुद आपका कंटेंट को अंडरस्टैंड करके उसी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली आपका फीचर स्निपेट्स में गूगल में डाटा ले आएगा। और ये बड़ी मजे की चीज होती है, ठीक है, बहुत मजे की चीज होती है। समटाइम यहाँ पे नहीं आती, आपके क्वेश्चंस रैंक करना शुरू कर देते हैं। आप देखें पहले नंबर पे जो है वो क्रेजी क्रेजी एग है, दूसरे पे जो है वो राइवल माइंड है। अब इसमें बेसिकली फोर्ब्स नहीं है, ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन है वो फोर्ब्स का उठाया हुआ है, फिर दूसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है वो मैच बॉक्स डिजाइन ग्रुप, और हो सकता है मैच बॉक्स पूरे टॉप 10 पेजेस में शायद ना हो, ये देखें तीसरे पे भी नहीं है, चौथे पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। अब ये देखें, यस पूरे पेज पे मैच बॉक्स डिजाइन ग्रुप डॉट कॉम एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन मजे की बात ये कि इसका क्वेश्चन जो है ना वो पीपल आल्सो आस्क में आ गया, रैंक हो गया। अब ये अगेन डिपेंड करता है इसके कंटेंट के ऊपर, क्या जो क्वेश्चन पूछा जाता है सर्च इंजन में उसके इसने प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है या नहीं, अगर लिखा हुआ तो इसमें भी आ जाता है और यहां से भी क्लिक मिलते हैं आपको, ठीक है, मजे की बात ये है। अच्छा एक कीवर्ड होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्स, चलें सर्च करते हैं। एडवांटेजेस एंड दिस एडवांटेजेस ऑफ फोर्स, यस। अच्छा इसका फीचर स्निपर्स खत्म हो गया, पहले इसका फीचर स्निपर्स भी होता था, ये फ्रीनोलॉजी, ये भी एक मेरी ही वेबसाइट थी किसी जमाने में, मैंने वर्किंग नहीं की इसके ऊपर। अच्छा अब ये देखें, इसमें एक वो मजे की बात ये होती है, ये मैं बता रहा हूँ कंटेंट ऑर्गेनाइज करने का तरीका, मैंने देखा लिखा एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट ऑफ फ्रूट। अब देखें एक तो ये फ्रीनोलॉजी डॉट कॉम आ रही है, ये तो मेरी अपनी वेबसाइट है, इसको छोड़ दें। अब ये देखें बाकी कोई भी वेबसाइट देखें, इसमें ये डायरेक्ट लिंक आपको नजर नहीं आएंगे कि फ्रूट के एडवांटेजेस, ओवरव्यू फ्रूट का क्या है, एप्पल है, ऑरेंज है। अब ये यहाँ कहीं भी आपको ये वाला काम पूरे पेज पे नजर नहीं आएगा। अब ये देखें, अब इसने ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी उठा ली और इसका क्वेश्चंस भी उठा रखा है, ठीक है, समझ लग रही है। अब अगर मैंने अपनी वेबसाइट के कंटेंट को वेल ऑर्गेनाइज कर रखा है तो वो उसके डायरेक्ट जंप लिंक भी उठा लेगा, ये बड़ी मजे की चीज होती है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना तो ये देखें, ये देखें ये एप्पल का उठाया हुआ, क्लिक किया ये मुझे एप्पल पर ले गया, ये एप्पल के कुछ मैंने बेनिफिट डिसएडवांटेजेस लिखे, दैट्स इट। ये बनाना बनाना का है, ये बनाना के बेनिफिट डिसएडवांटेजेस एंड सो ऑन, ग्रेप्स ग्रेप्स के बेनिफिट डिसएडवांटेजेस, क्लियर होगी ये चीज।
ये सिंपल, ये मैंने अब इसके ये जंप लिंक बना रखे हैं। अब जंप लिंक बनाने का ये मकसद होता है हैश के साथ कि ये गूगल में भी आ जाते हैं, और जब गूगल में ये चीज आ जाती है तो ये आपके सर्चेस को मजीद खूबसूरत भी बना देता है और यूजफुल भी बना देता है, ठीक है। और इससे क्लिक्स भी बढ़ने के चांस होते हैं, ज्यादा क्लिक्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, जैसे ये आए हुए, ठीक है। ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने कंटेंट को जितना अच्छा ऑर्गेनाइज करते जाएंगे ना, जितना अच्छा कंटेंट आप गूगल को पेश करेंगे उतना ये बेहतर होता जाएगा। और क्वेश्चन है जी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। सर इसको सर्च करें, चलें जी इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। जी सर्च हो गया, जावा पॉइंट। अब ये देखें, अब ये मैंने सर्च किया ना, तो इसमें चौथे नंबर पर digias.com है, जबकि ये पहले नंबर पर होती थी। ये हमने रीडेवलप की थी तो इसकी वजह से इसकी रैंकिंग डाउन हो गई, तब ये ऐसा ऐसा दोबारा रीगेन कर रही है हमारी वेबसाइट ना। ये चौथे नंबर पर है digias.com। अब अगर मैं इसके क्वेश्चन में जाता हूँ ना, तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द 5 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब इसमें देखें, ये क्वेश्चन इसने digias में से डाटा उठाया हुआ है ये। अब अगर ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये सारे के सारे इसकी हेडिंग्स हैं जो इसने उठा के रीऑर्गेनाइज की हुई है गूगल ने, क्वेश्चंस की शक्ल में बस, और कुछ भी नहीं किया हुआ। अभी इसका मैंने बेसिकली दोबारा एक कंटेंट लिखा है, आपकी की एक क्लासमेट है, स्टूडेंट है, उन्होंने ये मुझे भेजा, ये मैंने पब्लिश नहीं किया, इसको अभी मैं थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ। तो ये मैं एक नई वेबसाइट पर पब्लिश करके आपको लाइव केस, सॉरी ये मैं शेयर करता हूँ पहले आपके साथ। देखें जी, एमएस वर्ड वाला डॉक्यूमेंट शेयर हो गया आपके साथ। अब ये देखें, ये एक आर्टिकल इन्होंने लिख के भेजा था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। ये मैंने बेसिकली अपने डीजी एप्स के लिए ही लिख पाया। बेसिकली इशू क्या हुआ कि बेसिकली ये एक बड़ा काफी पहले का आर्टिकल लिखा हुआ है, और अब कॉम्पिटिशन इसका बढ़ चुका है, अब लोगों ने इससे भी अच्छा आर्टिकल लिख लिया। अब अगर उसकी वजह से मेरी रैंकिंग भी डाउन होना शुरू हो गई, क्योंकि अब मेरे कंपटीटर का जो कंटेंट है वो मेरे से भी अच्छा है। अब अगर मुझे दोबारा से रीगेन करनी है अपनी बर्थ गूगल के अंदर, ठीक है, तो फिर मेरे पास एक ही हल है कि मैं अपना कंटेंट को अपडेट करूं। तो उस कंटेंट को अपडेट करने के लिए आर्टिकल लिखवाया मैंने, ठीक है। ये बेसिकली उसका टाइटल बनाया हमने, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, फैक्ट्स अबाउट इंटरनेट। ये उसके मेटा डिस्क्रिप्शन लिखे हैं 2-3 लाइंस। ये उसका इंट्रोडक्शन लिखा, फिर इसके एडवांटेजेस का एक पैरा, फिर उसके लिस्ट दी। अच्छा ये देखें, अब ये पुराने आर्टिकल के अंदर मैंने लिस्ट नहीं दी हुई, एक पैरा दिया इंट्रोडक्टरी, एडवांस ऑफ इंटरनेट लिखा और उसके हेडिंग्स देके लिखना शुरू कर दिया। गूगल ने उठा फिर भी लिया क्वेश्चंस में, लेकिन गूगल के लिए मुश्किल है ये चीज समझना। लेकिन अब अगर मैं इसको खुद गूगल को लिस्ट बनाकर दे दूंगा इस तरह, तो गूगल के लिए कितना आसान है कि इसको पिक करना और लिस्ट स्निपेट्स में शो करना, तो ये गूगल के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा ना। तो ये चीज मैं गूगल के आसानी कर रहा हूँ, और उसके बाद दोबारा उसी तरह हेडिंग्स बनाकर डाटा शो कर दिया। फिर इसी तरह ये एडवांटेजेस हो गए, तो फिर डिसएडवांटेजेस के ऊपर आ गया, उसके एक छोटा सा पैरा लिखा और उसकी एक पूरी लिस्ट बना दी 11 डिसएडवांटेजेस की। अब अगर कोई ये सर्च करता है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, और अगर ये मैंने इसी तरह पूरा एक लिखा और ऑर्गेनाइज करके, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि गूगल मेरा डाटा उठाकर शो कर देगा। फिर इन तमाम डिसएडवांटेजेस को मैंने वन बाय वन स्टडी किया, फिर मैंने सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग इंटरनेट फैक्ट्स लिखे, कभी इंटरनेट कब बना, दुनिया में सबसे पहली वेबसाइट 1991 6 अप्रैल को लॉन्च हुई, फिर हाईएस्ट इंटरनेट कौन सा है, कौन से कंट्रीज यूज करते हैं कौन से नहीं, एवरेज ब्रॉडबैंड स्पीड क्या है दुनिया में, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें इन्होंने सारे फैक्ट्स लिखे, बड़े मजे मजे के फैक्ट्स हैं, बहुत मजे मजे के फैक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन आंसर्स। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे क्वेश्चंस यहां पर रैंक हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, अब देखें मैंने इसमें क्वेश्चंस नहीं डाले हुए, लेकिन गूगल ने खुद अंडरस्टैंड कर लिया कि ओके इसमें ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये इसके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ये तो गूगल ने खुद उठाए ना। लेकिन अगर मैं खुद गूगल की आसानी के लिए खुद क्वेश्चंस लिख के खुद आंसर दे दूं, तो गूगल को मजीद आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, ये आर्टिकल मेरा तकरीबन 4.5 लाख दफा रीड हो चुका है, 4.5 लाख दफा, ठीक है, तकरीबन 4,50,000। ओके,
अब इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने क्वेश्चंस दे दिए। क्वेश्चन वन कि जी व्हाट आर द फाइव एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, हाउ कैन इंटरनेट बी बेनिफिशियल, फाइव डिसएडवांटेजेस क्या हैं, स्टूडेंट्स के लिए कैसे यूज है, शॉपिंग के लिए इसका क्या फायदा है, इसका हाउ द इंटरनेट इज गुड फॉर द वर्ल्ड, इंटरनेट एबल टू कम्युनिकेट सो क्विकली, फिर पॉजिटिव एप्लीकेशन क्या हैं, फिर इसके एडवांटेज इन बिजनेस क्या हैं, ठीक है, इंटरनेट, फिर इंटरनेट वेस्ट ऑफ टाइम क्यों है। 10 क्वेश्चन का आंसर, ये वो 10 क्वेश्चन है जो गूगल में सर्च हो रहे हैं। हमने ये क्वेश्चन लिखेंगे और उसका खुद ही आंसर दे देंगे। तो खुद सोचें लोगों के लिए कितनी आसान, सॉरी यूज सर्च इंजन के लिए कितनी आसानी हो जाएगी कि आपको कंटेंट को पकड़ना, रीड करना, समझना और उसको उठा के रिच स्निपर्स में या क्वेश्चन आंसर्स में शो करना, आसानी पैदा करे है ना। उसके बाद फिर हमने अपना कंक्लूजन लिख दिया, सिंपल। यू गॉट माई पॉइंट? तो ये चीज समझ लगी अब आपको कि हम जितना इजी करके सर्च इंजन को कंटेंट पेश करेंगे ना, सर्च इंजन के लिए उतना ही आसान है हमारा रिच स्निपर्स में डाटा लेकर आना, क्वेश्चंस में डाटा लेकर आना और उसको रैंकिंग को इम्प्रूव करना। क्लियर होगी ये चीज? ओके जी, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आर हेल्पिंग फॉर दीज जंप लिंक्स, जी बिल्कुल। अच्छा, ये 100% जरूरी नहीं होता कि टेबल ऑफ कंटेंट से ही आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट के साथ साथ अगर आपने जंप लिंक भी बनाए हैं देन यस यू आर राइट, ठीक है, फिर आ जाएंगे। ओके, समटाइम्स डाटा इज शोन अलोंग विद मेटा डिस्क्रिप्शन, व्हाट अबाउट दैट? समटाइम डाटा इज शोन अलोंग विद मेटा डिस्क्रिप्शन, सॉरी इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं लगी साथ आपके, ये दोबारा आप पूछें कि क्या मतलब डेट डेट। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप इस डेट की बात कर रहे हैं, ये वाली जो डेट है या ये वाली जो डेट है, ये कुछ और बात कर रहे हैं? ओके, ये बेसिकली होता है पब्लिश डेट, कि ये बेसिकली ये कंटेंट किस डेट का पब्लिश हुआ। गूगल ये कहता है कि मैं आपको कंटेंट पेश करने के साथ साथ ये भी बताता हूँ कि भाई ये कंटेंट कब आ रहा है। तो उसने क्या किया, उसने मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ एक छोटी सी जगह रख दी। अच्छा, ये डेट जो है ना, ये तमाम वेबसाइट के गूगल शो नहीं करता, ये सिर्फ उन वेबसाइट के गूगल शो करेगा जिनकी वेबसाइट ने ये डेट गूगल को प्रोवाइड की है। अब जैसे देखें ये क्या लिखा हुआ है, 4 सितंबर 2021 लिखा हुआ है ना डीजीएस, हम जाते हैं इस पे, ये देखें ये क्या लिखा हुआ मैंने, 4 सितंबर 2021 को पब्लिश किया हुआ। यू गॉट माई पॉइंट? क्योंकि मैंने इसे ये डेट पेश किया है गूगल को, प्रोवाइड किया है कि भाई दिस इज द डेट ऑफ माय कंटेंट, तो गूगल ने बेसिकली इसको शो कर दिया। क्लियर होगी ये बात? कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से। अच्छा, ये चीज आपको समझ लग गई है कि ये डेट क्यों शो होती है और किन वेबसाइट्स की डेट शो होती है, किन की नहीं शो होती। जिन वेबसाइट्स की डेट पब्लिश डेट गूगल को प्रोवाइड की जाती है गूगल शो कर देता है, जिनकी नहीं प्रोवाइड की जाती वो शो नहीं करता। अच्छा, इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि वो यहाँ नजर भी है, ये तो हमने डिस्प्ले कर दिया। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो ये डेट डिस्प्ले नहीं करती लेकिन गूगल को प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है, तो वो पब्लिश हो जाती है लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आती। अब अगर मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा ना डेट को, तो वो यहाँ भी चेंज हो जाएगी और गूगल में भी अपडेट करवा दूंगा और यहाँ पे ये डेट चेंज हो जाएगी। मैं इसको चेंज करके मैं 10 मई 2022 भी रख सकता हूँ, ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि भाई मैंने अगर आज आर्टिकल मैंने चेंज कर दिया, जैसे ये नया आर्टिकल मैंने आपको दिखाया था ना, ये कल या परसों परसों मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं वो करके इसको अपडेट कर दूंगा। जब अपडेट कर दूंगा तो मैं इसकी डेट भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि पब्लिश डेट चेंज हो जाएगी ना फिर मेरी, क्योंकि अब कॉन्टेंट अपडेटेड हो जाएगा। तो यही अपडेटेड कॉन्टेंट मैं गूगल को भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो गूगल यहाँ पे जाके मेरी डेट भी चेंज कर देगा, ठीक है। ये डेट का बड़ा यूज होता है, डेट फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स में यूज होती है। क्लियर होगी ये चीज? कोई और क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछना चलें जी। अच्छा, अब आपको मेटा डिस्क्रिप्शन की भी समझ लगी, मेटा टाइटल की भी समझ लगी, और मेटा डिस्क्रिप्शन को बताते बताते मैंने बहुत सारा कंटेंट के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, जो कि मैंने नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है, अबाउट द कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। यहां तो कोई क्वेश्चन है तो पूछना। ओके, उसके बाद एक और मेटा टैग है, ऑल टैग इसे कहते हैं। ये बेसिकली इमेजेस के लिए होता है, जब हम कोई इमेज देते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ये देखिए ये एक इमेज मैंने दी हुई है।
अब गूगल इस इमेज को समटाइम रीड नहीं कर पाता या अपलोड अपडेट नहीं कर पाता या अपलोड नहीं कर पाता, इंटरनेट स्पीड स्लो है, पिक्चर अपलोड नहीं हुई, यहाँ पे शो नहीं हो रही, वो एक अजीब सा लिखा आ जाता है, तो उसकी जगह जो वर्ड आते हैं उसे ऑल टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, गूगल अभी इमेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वीक है, गूगल की जो टेक्नोलॉजी है ना वो अभी इतनी एडवांस नहीं हो सकी तो वो इमेजेस का सारा कंटेंट स्टडी कर सके। इमेज को वो पार्शियली रीड करने लग गया है, इमेज के कलर्स, कंसेप्ट, उसमें लिखे हुए वर्ड्स, जैसे ये पढ़ सकता है गूगल के इसमें क्या लिखा हुआ, इंटरनेट मैरिट्स, डिमेरिट्स, ये स्टडी कर सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी और चीजें हैं जो गूगल अभी रीड नहीं कर पाता। तो इसके लिए गूगल ने कहा कि भाई अब आप मुझे खुद बताएं कि ये इमेज है किस चीज के बारे में, ऑल टेक्स्ट दे, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब देखें अगर मैं इसका सोर्स कोड देखता हूं ना, तो ये देखें, ये मैंने इमेज दिया, ये इमेज का यूआरएल बन गया, ठीक है, और इसके साथ ये ऑल टेक्स्ट है, ये देखें, ये नजर आ रहा है आर्ट इज इक्वल टू इंटरनेट मेरिट्स डिमेरिट्स, ठीक है, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया हुआ है इसका, ठीक है, यानी कि अगर ये इमेज नहीं है तो इसका टेक्स्ट क्या होगा, ये इस इमेज का टेक्स्ट क्या है, ठीक है, इस इमेज को एक्सप्लेन करना, इसे आर टेक कहते हैं। और ये हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम स्टडी करेंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन। जब मैं आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो हम उसमें ये इन डिटेल स्टडी करेंगे, ये आर्ट टैग क्या होते हैं, आर्ट टेक्स्ट क्या होते हैं, और इमेज का यही एक टैग नहीं है, तकरीबन 6-7 डिफरेंट टैग्स हैं, वो सारे हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। क्लियर हो गया जी? ओके, उसके बाद एक और टैग है कैनोनिकल टैग। अच्छा कैनोनिकल टैग, इसने आर्डर सही नहीं दिया, कैनोनिकल टैग से पहले मुझे, अच्छा चलें कैनोनिकल बता देता हूँ। एक और टैग है कैनोनिकल टैग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है, इसका हम इन्फ्लुएंस देखते हैं क्या बताता है जिसका, जस्ट 2% चले, लेकिन ये बहुत जरूरी है जी हमारे लिए। अच्छा अब होता क्या है, चलें एक लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ये मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली djs.com, अब गूगल ने इसको रीड करना और इंडेक्स कर लेना, इसी तरह ही है ना, अब ये इंडेक्स हो गई, ये वाला सारा आर्ट इसका कंटेंट इंडेक्स हो गया, किसके अगेंस्ट, djs.com के अगेंस्ट। अब अगर मैं यहां पर एक चीज लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क cf, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख देता हूँ, अब ये देखें वेबसाइट वही ओपन हुई, होम पेज कंटेंट भी वही है, लेकिन यूआरएल क्या हो गया, चेंज हो गया, यूआरएल चेंज हो गया ना। अब अगर ये वाला यूआरएल भी गूगल में इंडेक्स हो गया क्वेश्चन मार्क cf, तो बेसिकली तो डुप्लीकेशन का एरर आ जाएगा गूगल में, गूगल कहेगा भाई यही कंटेंट आपने djs.com में भी शो करवाया और यही कंटेंट djs.com/?cf में भी शो करवाया हुआ है, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, यू गॉट माय पॉइंट। अब डुप्लीकेशन का एरर रिमूव करने के लिए गूगल ने हमें एक बेसिकली मेटा टैग दे दिया, जिसको वो कहते हैं कैनोनिकल टैग, ठीक है, कैनोनिकल, सिंपल, वो कहता है भाई आप कैनोनिकल का टैग में मुझे बता दें, गूगल कहता है कि भाई आपका एक्चुअल यूआरएल क्या है, मैं सिर्फ वही उठाऊंगा, बाकी के सारे यूआरएल आपके रिमूव कर दूंगा, यानी कि फिर आपका डुप्लीकेट नहीं होगा। देखें अब ये वाले पेज का मैं सोर्स कोड निकालता हूं आपके सामने, कंट्रोल यू करते हैं, सॉरी कंट्रोल यू, ये देखें सोर्स कोड आ गया जी। अब देखें सोर्स कोड का यूआरएल क्या है, view-source?djs.com/?cf, यही है ना, लेकिन ये देखें ये लाइन नंबर 14 में मैंने एक कैनोनिकल टैग दे दिया, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू कैनोनिकल href, यानी कि रेफरेंस दिया किसका, djs.com का, यहां देखें /?cf तो नहीं ना लिखा हुआ। अब अगर गूगल ने ये वाला लिंक रीड कर लिया तो गूगल को फौरन यहां से पता चल जाएगा कि भाई इस पेज का एक्चुअल लिंक ये नहीं है, इस पेज का एक्चुअल लिंक ये वाला है, ये है सिंपल djs.com। वो कैसे पता चला, वो कैनोनिकल टैग से पता चला, गूगल के जब इसको रीड करेगा ना, बेसिकली गूगल क्या आपका ये वाला पेज रीड करेगा, नो, मैंने आपको बताया था ना गूगल क्या रीड करता है, गूगल आपका सोर्स कोड रीड करता है, ये वाला पेज रीड करेगा, इसमें सारा टेक्स्ट रीड करके गूगल समझ जाता है। अब वो जब यहाँ पे आएगा वो कहेगा ओहो मैं तो इस वाले यूआरएल के लिए स्टडी कर रहा था, सॉरी ये यूआरएल का टैग,
ये डाटा नहीं है, डाटा इस यूआरएल का है, तो वो क्या करेगा इस यूआरएल को चेंज करके ये वाला यूआरएल लगा देगा बस, और यही कंटेंट सारा इस एक्चुअल यूआरएल के लिए इंडेक्स कर देगा। तो इससे अगर सीएफओ या इसकी जगह कोई भी एबीसी हो, इवन कोई भी कुछ भी, कितने मिलियंस में, लाखों, अरबों, करोड़ों, अनलिमिटेड लिंक पॉसिबल है ना यूआरएल। अब जो भी यूआरएल होगा, क्योंकि अब मेरा बेसिकली कैनोनिकल टैग लगा हुआ है, अब मुझे टेंशन नहीं है, जो यहां पे लिंक होगा ना, ये सारी की सारी एसईओ वर्थ इस लिंक को मिलेगी, इस लिंक को, इस वाले लिंक को नहीं मिलेगी। जब इसको वो वर्थ ही जीरो कर देगा तो मेरा डुप्लीकेट कंटेंट का एरर आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मैंने गूगल को कमांड दे दी कि भाई अगर ये वाला यूआरएल ओपन होना तो आपने इसके बजाय ये वाला यूआरएल इंडेक्स करना है, ये यूआरएल इंडेक्स ही नहीं करना। जब इंडेक्स ही नहीं होगा तो डुप्लीकेट का एरर ही नहीं आएगा, इश्यू ही नहीं आएगा। यू गॉट माई पॉइंट? क्लियर होगी यहां तक? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात यह है कि 90% लोगों को कैनोनिकल का यूज करना नहीं आता, ये चीज आप इजीली, और बहुत मजे की बात है, ये सिंपल एक लाइन का कोड है और इसको समझ आना चाहिए। अगर ये समझ आता है तो आप बड़ी इजीली और बहुत आसानी के साथ इसको मैनेज कर लेंगे। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। कैन वी मैनेज इट बाई 404 पेज? नहीं साद हफीज, आप इसको 404 पेज से मैनेज नहीं कर सकते। 404 पेज हम उस वक्त यूज करते हैं अगर कोई यूआरएल हो और वो चीज हमने डिलीट कर दी हो, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो फिर हम 404 करते हैं। ये तो एग्जिस्ट करते हैं ना। मैं ये नहीं चाहता कि अगर कोई गलती से क्वेश्चन मार्क एबीसी या कुछ भी लिख दे तो वो 404 पे चला जाए। इसका तो ये मतलब होगा कि मैं अपनी ट्रैफिक को जाया कर रहा हूँ। मैं कहूंगा भाई 404 पे ले जाने की बजाय मैं इसे एक्चुअल पेज पर ही ले जाऊंगा, लेकिन गूगल को बता दूंगा कि इसका एक्चुअल यूआरएल ये नहीं है, dgf.com है, सिंपल सिंगल लाइन कोड के थ्रू। मेरा प्रॉब्लम बड़ी इजीली रिजॉल्व हो जाएगा और यूजर को भी परेशानी नहीं होगी। अब सोचें अगर यूजर का 404 पे चला गया तो हो सकता है वो बंद ही करके चला जाए आपकी वेबसाइट, या हो सकता है अगर वो टैलेंटेड है तो वो दोबारा सर्च करके पेज ढूंढने की कोशिश करें। तो हमने यूजर की आसानी भी देखनी है, इस तरह से यूजर की बहुत आसानी हो जाएगी और गूगल को हमने एक लाइन में वैसे ही गाइड कर देना। ठीक हो गया सर, प्लीज रिपीट अगेन। अच्छा यार, ये रिपीट करने वाला काम ना कहा करो, क्वेश्चन हुआ करे तो पूछा करें। अगर कुछ भी समझ नहीं लगी तो डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, फिर आप एक दफा नहीं 10 दफा सुने रिकॉर्डिंग को, तो आप अगेन एंड अगेन सुन सकते हैं ना, तो रिपीट होता रहेगा आपका। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी है जो मैंने बताई और आपको समझ नहीं लगी तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसे किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। रिपीट में तो फिर वही चीजें होंगी जो मैं आप पहले बोल चुका हूं, और रिकॉर्डिंग में वो दो दो तीन तीन दफा वही चीजें आना शुरू हो जाएंगी। क्लियर हो गई ये चीज? चलें जी, आई होप ये क्लियर हो गया। बेसिकली इसका एक ही मकसद है कैनोनिकल टैग का, कि हमने डुप्लीकेट पेज का जो कंटेंट है ना उसे हैंडल कैसे करना है, कि अगर एक ही पेज के मल्टीपल एड्रेसेस लग गए, एक ही पेज के मल्टीपल यूआरएल्स लग गए, तो हमने गूगल को कैसे बताना है भाई एक्चुअल यूआरएल ये नहीं है, ये है। सिंपल, बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। क्लियर होगी जी ये चीज? उसके बाद नया टैग है हेडर टैग, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हेडर टैग बताएं जी, याद है किसी को हमने हेडर टैग पढ़े थे? इसका 5% इन्फ्लुएंस है, गुड। H1, H2, H3, ये चीज हमने इन डिटेल आई थिंक स्टडी की थी शायद। अच्छा, ये बहरहाल मैंने आपको पढ़ाए थे H1, H2, H3, H4, H5, H6 एडिंग टैग्स जो थे, मुझे याद नहीं है कहाँ। चलें मैं दोबारा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। बेसिकली 6 हेडिंग टैग होते हैं H1 से लेके H6 तक। हम जो टाइटल होता है ना, चलें मैं आर्टिकल एक ओपन कर लेता हूँ और आपको ये वाले ही खोल लेता हूँ। अब इसके ये वाला जो टैग है ना, ये जो टाइटल है ये H1 में होगा। अगर हम देखना चाहें ना तो अगेन इसको इसी तरह करेंगे, कंट्रोल यू करें, सोर्स कोड आ जाएगा यहाँ पे, Ctrl+F/H1। अब देखें ये कितने बता रहा है H1 यूज हुआ है, एक ही यूज है, कौन सा, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, यही है ना, ये मेरा H1 में है, ठीक है। जो H1 में होगा वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, और जितना ज्यादा प्रोमिनेंट होगा गूगल उसे उतना ज्यादा वैल्यू देता है। अब गूगल की नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस कंटेंट में क्या है, आपका टाइटल।
फिर दूसरे नंबर पर आपकी मेन हेडिंग्स, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। तीसरे नंबर पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी सब हेडिंग, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कीप इन्फॉर्म्ड, ऑनलाइन शॉपिंग एंड एटसेट्रा। ठीक हो गया, समझ लग गई है ना। चौथे नंबर पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अगर कोई सब हेडिंग बनी होंगी, चाइल्ड सब हेडिंग जैसे कह सकते हैं। अब ये मैंने क्या किया, इसे H1 कर दिया, इसे H2 कर दिया, इसे H3 कर दिया, अगर इसकी कोई हेडिंग सब हेडिंग होगी उसे H4 कर दूंगा, एंड सो ऑन। मैं 6 तक हेडिंग बना सकता हूँ। उसके बाद क्या करूंगा, कुछ कीवर्ड्स को मैं बोल्ड कर दूंगा, कुछ को इटैलिक कर दूंगा, कुछ को कंटेंट एज इट इज छोड़ दूंगा, दैट्स इट। क्लियर होगी, ये बेसिकली एच टैग्स होते हैं। और ये मैं इन डिटेल आपको पढ़ाऊंगा एच टैग्स, जब मैं आपको कंटेंट वाला, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाऊंगा। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में ये चीज हम जरा इन डिटेल स्टडी करेंगे कि ये एच टैग एक्चुअल में ये कंटेंट का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये कंटेंट के अंदर हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है जी, यूजुअली H1 इज यूज्ड फॉर टाइटल ऑफ ब्लॉग पोस्ट इन वर्डप्रेस, देन व्हाट इज द यूज ऑफ टाइटल टैग। टाइटल टैग और चीज है, एच टैग और चीज है। ये चीज समझ लग गई है जी आपको। बेसिकली जो टाइटल टैग होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि ये चीज हो। टाइटल टैग ये होता है, ये। अब देखें, अब आपको चलें लाइव, ये अच्छा क्वेश्चन है, टाइटल में और H1 में क्या फर्क है। अब देखें H1 क्या है, पहले मैं H1 बता देता हूँ। H1 लिखा हुआ, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, और टाइटल टैग क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। टाइटल है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट मैटर्स एंड इंटरनेट। टाइटल टैग वो होता है जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये, और H1 ये होता है जो हम पोस्ट का टाइटल देते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम पोस्ट टाइटल को ही H1 रखते हैं, और इसके बाद जो इसकी मेन हेडिंग्स होती हैं, जैसे ये मेन हेडिंग्स हैं, इनको H2 कर देंगे, और इसी के जो सब हेडिंग्स हैं इनको H3 कर देंगे। सिंपल, ठीक हो गया। अब टाइटल भी दो तरह के होते हैं, एक मेटा टाइटल होता है, एक पोस्ट टाइटल होता है। मेटा टाइटल वो है जो यहाँ पे शो होता है, पोस्ट टाइटल वो है जो यहाँ पे शो होता है, और जो H1 है वो नॉर्मली पोस्ट टाइटल ही होता है। क्लियर हो गया जी ये चीज। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद है मेटा नेम एब्स्ट्रैक्ट, इसको छोड़ दें, मेटा नेम ऑथर इसको भी छोड़ दें, मेटा नेम कॉन्टैक्ट, कॉपीराइट, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर वी राइट पोस्ट टाइटल। भाई ये है ना, ये अगर आप बैकएंड की बात करें तो वो भी नहीं मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो जब मैं आपको ब्लॉग मैनेज पढ़ाऊंगा ना, ब्लॉग को मैनेज कैसे करना है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि मैं नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीक में पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे किस चीज की सेटिंग होनी है, दैट आई विल टीच यू। क्लियर है? अच्छा चलें, अभी हम ना इधर से थोड़ा सा मेटा को स्टडी करते हैं, फिर हम दोबारा उधर जाते हैं। अच्छा, ये जो व्यू पोर्ट होता है ना, ये बेसिकली ये चीज बताने के लिए होता है कि भाई हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, यानी कि हर डिवाइस के लिए चल रही है। ठीक है, अब ये पल, ये भी मैं, ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, ये सिक्योरिटी पॉलिसी, कलर थीम। अच्छा, ये कलर थीम भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये हम बेसिकली गूगल को बता रहे होते हैं कि जो मेरा थीम है, मेरा जो डिजाइन है वो किस कलर में है, वो इस कलर में है, 00ABC9, और वो बेसिकली ये वाला कलर है, ये वाला। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फेविकॉन आ गया, एप्पल टच आइकॉन, कैनोनिकल टैग क्या आपको समझ लग गई है, टाइटल की समझ लग गई है, डिस्क्रिप्शन की समझ लग गई है, कीवर्ड्स को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अच्छा, जैसे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ये टैग है ना, इसी तरह मेटा कीवर्ड भी एक टैग है जो कि एब्सोल्यूट हो चुका है गूगल में, लेकिन फिर भी हम यूज कर रहे होते हैं। अब ये बेसिकली हमें बताता है कि भाई हमने कौन कौन से कीवर्ड को टारगेट किया हुआ, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन ये अगर आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स डजंट मैटर। ठीक है, उसके बाद ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ट्विटर कार्ड्स, ठीक है, इनको समझना जरूरी है, ये देखने। अच्छा, ट्विटर कार्ड्स ये होता है कि अगर बेसिकली मैं यही आर्टिकल ट्विटर पर शेयर करूं तो वो ट्विटर पर कैसे शो होगा, कैसे नजर आएगा, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं इसे ट्विटर पर शेयर करूं, फॉर एग्जाम्पल, चलें जी ट्विटर पर मैं इसको लेके जाता हूं,
कंट्रोल सी ट्विटर ओपन करता हूँ। अच्छा ये अच्छा ट्वीट करके देखते हैं। यस, अब जब ट्वीट किया ना, देखिए मैंने यूआरएल डाला, लेकिन इसे यूआरएल उठाने के बजाय ये चीज उठा दे। अब ये इसका बेसिकली क्या है, ट्विटर कार्ड का डाटा है। अब वो ट्विटर कार्ड का डाटा कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो ट्विटर कार्ड क्या है जी, और इसमें यूआरएल कौन सा शो करना है, इसमें डिस्क्रिप्शन कौन, टाइटल कौन सा शो करना है, यहाँ पे ये टाइटल शो हो रहा है ना, फिर इसमें डिस्क्रिप्शन क्या शो करनी है। ये देखें ट्विटर कार्ड इमेज लगी हुई है इसमें क्या, नहीं लगी हुई ना, एम्प्टी है ना ट्विटर कार्ड इमेज। ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, यहाँ पर इमेज नहीं आई। अब अगर मैं यहाँ पे इमेज सोर्स भी लगा देता, कोई इमेज सोर्स भी लगा देता ट्विटर की, तो यहाँ पर इमेज भी आ जाती। ये चीज समझ लग गई आपको, मेन चीज जो मैं बताना चाहता था। यहाँ पे मैंने एम्प्टी रखी हुई है, इसलिए यहाँ पे भी एम्प्टी आ, क्लियर। अब इसी तरह ये बेसिकली ट्विटर पे कैसे डाटा शो करना है, ये ट्विटर कार्ड इसे कहते हैं। फिर इसी तरह बाकी की सोशल मीडिया वेबसाइट पे हमने डाटा कैसे शो करना है, ये उसका, ये चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भाई मेरी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड यूज होती है, ये इंग्लिश में ही होगा सारा मैटा, लेकिन मैं कहता हूं कि अब मैंने ये पेज बेसिकली जो फेसबुक पे शेयर करना है ना, वो पाकिस्तानी पेज है और सिर्फ पाकिस्तानी यूजर हैं, और पाकिस्तानियों को उर्दू ज्यादा अच्छे से समझ लगती है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, तो हो सकता है मैं मैटा डिस्क्रिप्शन या मैटा टाइटल ओजी का उर्दू में लिख दूं, उर्दू में भी लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं उर्दू में लिखूंगा तो फिर जब यहां पे शेयर करूंगा ना, तो वो चीज उर्दू में नजर आएगी, बस दैट्स द मेन थिंग। क्लियर हुई ये चीज, ट्विटर कार्ड और ओजी टैग, ये दोनों की समझ लगी। ट्विटर कार्ड सिर्फ ट्विटर के लिए यूज होते हैं, ओजी टैग्स जो है वो बाकी की तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, इस तरह की तमाम वेबसाइट के लिए ओजी टैग यूज होता है। क्लियर हो गया जी ये वाले टैग्स भी। फिर एक और मेटा नेम है जिसे हम कहते हैं गूगल साइट वेरिफिकेशन। भाई ये अगर मैं बेसिकली इसको गूगल सर्च कंसोल के साथ अटैच कर दूं, गूगल सर्च कंसोल के साथ, ठीक है, तो उसके लिए एक मुझे अलग से मेटा टैग देना पड़ेगा साइट वेरिफिकेशन का, कि जिससे ये पता चल जाए कि भाई आई एम द ऑनर ऑफ दिस वेबसाइट, ठीक है। ये उस चीज के लिए, सिक्योरिटी के लिए समझ लें, वेरिफिकेशन के लिए क्या लें, ये टैग है, ठीक है। मैंने अपने आर्टिकल पेज में सिर्फ यही यूज किए हैं। अब देखते हैं होम पेज में कौन कौन से यूज हुए हैं। ये लें जी, होम पेज का खुल गया, होम पेज में भी यही टैग मैंने यूज किया हुआ, क्लियर है। बाकी के जो मैटर टैग्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, क्लियर है। बाकी हम यहाँ से फिर भी एक दफा पूरी लिस्ट देख लेते हैं इसकी, अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा। अब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑथर इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्टेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉपीराइट इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल दे दें, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। मेटा नेम एक्सपायर्स इंपॉर्टेंट नहीं, एक्सपायर्स में डेट वगैरह मेंशन कर देते हैं कि कब एक्सपायर होगा ये मेरा कंटेंट, लेकिन हम ये हम बताना नहीं चाहते। जनरेटर, गूगल बोट, कीवर्ड्स, अच्छा एक और है मैं वो ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा बेस्ट कंप्यूटर गाइड, ये अभी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ मेटा टैग्स बताना चाहता हूँ। ये देखें, ये हमने ब्लॉग के मेटा टैग्स बनाए हुए हैं, ये तो थोड़े से टेक्निकल टैग्स हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप छोड़ दें। टाइटल अभी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए देखें यहाँ टाइटल भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। ये चूंकि अभी वेबसाइट बनाई नहीं, एम्प्टी है सिर्फ, ये सिर्फ आपको एक टेस्ट करवाने के लिए मैंने किया था। इसमें टाइटल का टैग है, डिस्क्रिप्शन का है, कीवर्ड का है, आईकॉन का है, तो अभी इसका आईकॉन कौन सा यूज करना है। देखें एचआरएफ में कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो इसलिए ये देखें यहाँ पे डिफॉल्ट टैग ग्लोब का आ रहा है। अगर मैंने दिया होगा तो ये देखें, ये फेविकॉन इसे कहते हैं, फेविकॉन आईकॉन। ये देखें मैंने डीजी का दिया था, इसमें डीजी आ गया, इन्होंने ये दिया, गूगल ने जी का दिया हुआ है, फेसबुक ने ये एफ वाला दिया हुआ है, मैंने कोई नहीं दिया तो ये डिफॉल्ट टैग आ गया, क्लियर है, ये आईकॉन के थ्रू आ गया। एप्पल, इसी तरह ये क्रोनिकल टैग आपको समझ लग गई, या फिर ओजी टैग्स आपको समझ लग गए, ट्विटर कार्ड्स के आपको टैग समझ लग गए,
ये देखें ये रिविजिट आफ्टर, ये गूगल ने अब खत्म कर दिया, लेकिन अगर मैं लिख दूं ठीक है, नहीं लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑथर का टैग ये बताता है कि भाई इस वेबसाइट का ऑथर कौन है। मैंने इसको कह दिया भाई ऑथर इज बेस्ट कंप्यूटर गाइड, बेस्ट कंप्यूटर गाइड जो है ना, ये चूंकि वेबसाइट का यही नाम है यही ऑथर है। फिर इसका CSRF टोकन होता है, ये आप छोड़ दें। रिपोर्ट ये देखें, ये रिपोर्ट का टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। यस 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 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक टैग आपकी जिंदगी बदल सकता है, ये जहन में रखें। अगर ये देखें मैंने एक पूरी वेबसाइट बना ली, कर ली, लाइव कर ली, इंडेक्स हो गई, गूगल में टॉप पर आ गई, और गलती से अगर मेरे डेवलपर ने या मैंने या मेरे SEO एक्सपर्ट ने यहाँ पे ये नो का वर्ड लगा दिया, नो फॉलो नो इंडेक्स, तो ये मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट गूगल से उड़ जानी है, जाया हो जाने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही चीज है जो robots.txt फाइल हमने स्टडी की थी, उसी का ये एक मेटा टैग है robots के नाम से। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आपने इसे फॉलो करना है या नहीं। नो फॉलो का ये मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि आपने इसे रीड नहीं करना। गूगल को ये कमांड दे रहा हूँ कि मेरा आर्टिकल, मेरा ये वेबसाइट, मेरा ये पेज आपने रीड नहीं करना, और इसको इंडेक्स भी नहीं करना, अपने पास सेव भी नहीं करना। जब खुद सोचें, अगर मैंने गूगल को ये कह दिया भाई आपने मेरी वेबसाइट नहीं पढ़नी, नहीं सेव करनी, जब उसके पास मेरी वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, तो क्या वो गूगल में शो कर सकता है यूजर्स को? वो शो भी नहीं कर सकता। गूगल को तो वो तब भी शो करेगा ना जब उसके पास वो सेव है, इंडेक्स की हुई है। समझ लग गई? अब चूंकि मैं इस वेबसाइट को भी बनाना चाहता हूँ, अभी ये एम्प्टी है, खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं ये नहीं चाहता कि ये चीज इंडेक्स हो गूगल में, नहीं इंडेक्स करना चाहता ना। मैं तब भी इंडेक्स करूंगा जब इसमें कोई कंटेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे एक रोबोट का टैग लगा दिया, बस रोबोट्स कंटेंट इज इक्वल टू नो फॉलो नो इंडेक्स कर दिया, ताकि से गूगल पढ़ ना सके। ये तब मैं टैग खत्म करूंगा जब इसके अंदर मैं कोई कंटेंट को पब्लिश कर दूंगा। इज दिस क्लियर? ओके। उसके बाद ये कॉपीराइट का टैग है कि भाई इस वेबसाइट का कॉपीराइट किसके पास है? जी डिजिटल एप्लीकेशंस के पास है, ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल एप्लीकेशंस की वेबसाइट है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये वही टैग है जो देखें यहाँ पे, ये वाला देखें, बेटर नेम डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? ग्लोबल है, यानी कि ये पूरी दुनिया के लिए, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं है। अगर कोई एक ऐसी वेबसाइट हो जो किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए हो, तो फिर यहाँ पे मैं उस कंट्री का टैग लिखूंगा। इफ दैट इज फॉर पाकिस्तान, तो मैं यहाँ लिखूंगा PK, ठीक है, कि भाई ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। अच्छा, आप कोई ऐसी वेबसाइट की एग्जाम्पल दे सकते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए हो, जैसे दूसरे कंट्री में उससे कोई यूज नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई भी ऐसी वेबसाइट? कमेंट करके मुझे अभी बताएं। अच्छा, फिर इसी तरह एक और मेटा टैग है लैंग्वेज का, कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज में बनी हुई है? जी ये इंग्लिश में है। फिर रेटिंग क्या है इसकी? जनरल है। फिर इसका ऑथर कौन है? जी वो डिजिटल एप्लीकेशन है। ये सारे मेटा टैग्स मैंने, ये फिर स्क्रिप्ट आ गया, फिर क्लास, ये हेड खत्म हो गया जी यहाँ पे। यस जी ओलेक्स, ठीक है, बिल्कुल ओलेक्स। अगर olex.com.pk, सिर्फ ओलेक्स नहीं, ओलेक्स के डिफरेंट कंट्रीज के वर्जन है, जैसे कि पाकिस्तानी जो वर्जन है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए वैलिड नहीं, एजुकेशनल साइट सब जरूरी नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड भी यूज होती है एजुकेशनल साइट। हाँ नादरा, यस यू कैन सी, बेसिकली ऐसी वेबसाइट जिसका कंटेंट है सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। यस draz.pk, अगर इसकी डिलीवरी नहीं है दुनिया में कहीं और तो फायदा नहीं है, पाकिस्तान में डिलीवरी है तो इसकी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में होगी। क्लियर होगी ये चीज? मेटा टैग की समझ लग गई है। अब ये काफी सारे मेटा टैग मैंने आपको यहाँ से बता दिए, मजीद हम यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं अगर कोई और इंपॉर्टेंट टैग नजर आ गया। रेटिंग का भी मैंने आपको बता दिया, रेटिंग जनरल, रिप्लाई टू, कि अगर कोई, मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट का रिप्लाई टू किसको जाना चाहिए, उसका ईमेल मैं शो कर दूंगा। रिविजिट आफ्टर भी हमने देख लिया, स्लॉट छोड़ दें, वेब आथर भी हमने देख लिया, कैशे कंट्रोल, ये हम वैसे एच टी एक्सेस से कंट्रोल कर लेते हैं कैशे, कंटेंट टाइप, कुकीज, कुकीज वगैरह भी, डिस्पोजिशन, इमेज टूल बार, MS थीम, पिक्स लेबल, रिफ्रेश, स्क्रिप्ट टाइप, स्टाइल, डबलिंग, बस यही है जी। ये मेटा नेम रोबोट आ गया, ये अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। फिर सोशल मीडिया टैग्स, ये OG टैग जो होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखें, ये OG टैग था ना जो मैंने आपको बताया था, OG कहते हैं ओपन ग्राफ को, ठीक है, OG स्टैंड्स फॉर ओपन ग्राफ। ये देखें इसकी इन्फ्लुएंस क्या, 100% वो बता रहा है, यानी कि ये लाजमी यूज करने हैं आपने, ठीक है। ये देखें, ये फेसबुक के लिए भी है, ये ट्विटर के लिए ट्विटर टाइटल, इसे ट्विटर कार्ड कहते हैं, ठीक है, ये ट्विटर कार्ड का कंसेप्ट आ गया ये वाला। ये देखें, ये फिर वो आपको बता भी रहा है कि OG करके भी आप यूज कर सकते हैं, फिर आपने ट्विटर कार्ड का भी यूज करना है, ये चीज समझ लग गई है।
ये मेटा टैग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इन मेटा टैग्स को स्टडी कर लें एक दफ़ा, ठीक है। अब आप अगर ये देखें, ये इम्पोर्टेंट टैग्स जो है ना, ये टाइटल टैग हमने पढ़ लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया, सोशल मीडिया टैग्स हमने पढ़ लिए, ऑल टैग्स हम डिटेल में पढ़ेंगे इमेज वाले में, रिपोर्ट टैग हमने पढ़ लिया, कैनोनिकल टैग भी हमने देख लिया, रिस्पॉन्सिव का भी मैंने आपको बता दिया, हेडर टैग्स भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन हेडर टैग्स हम इन डिटेल पढ़ेंगे कॉन्टेंट वाले पेज में। और मैंने ये वाले भी बता दिए, कीवर्ड रिविजिट आफ्टर गूगल बोट, ये वाले, लेकिन ये एक्सपायर हो चुके हैं, इनका फायदा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन यूज कर लिया तो ठीक है, नहीं भी किया तो डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर मैं रिविजिट आफ्टर का ये चेक करूँ तो इसका एसईओ इन्फ्लुएंस देखें क्या बता रहा है, जीरो, यानी कि भाई इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप यूज करें ना करें, इट्स यूजलेस, ठीक है। रिविजिट आफ्टर क्लियर होगी ये चीज। जबकि उसी के अगेंस्ट अगर मैं रिपोर्ट वाले टैग को देखता हूँ तो उसकी इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करती होगी, देखें 100%। इम्पोर्टेंट टैग्स को इसने 100% कर दिया, कुछ टैग ऐसे हैं जो वो कहते हैं अननोन है, यानी कि उससे भी नहीं अभी कंफर्म, जैसे कि कैनोनिकल टैग देखें, उसको उसने इन्फ्लुएंस दे दी जस्ट 2%, यानी कि उससे नहीं कन्फर्म, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, देखें ना, ये जैसे ये दे रहा है क्वेश्चन मार्क ये करके आ गया किसी पेज में, तो अब इसको मैं एक्चुअल लिंक के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ तो वो कैनोनिकल टैग के थ्रू ले जाऊंगा, ठीक है। और जो इसने कह दिया एक्सपायर्ड हो गए, उसको इन्फ्लुएंस उसने दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल बोर्ड को हम देख लेते हैं, ये लेंगे इन्फ्लुएंस जीरो, यानी कि ये एक्सपायर्ड, अब इसका कोई एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना आज का मेरा यही टॉपिक था मेटा टैग्स पढ़ाने, कल हम स्टडी करेंगे कॉन्टेंट को, कल मैं आपको ये वाला कंटेंट इन डिटेल स्टडी करवाऊंगा पब्लिश करके, और साथ में मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और फिर ये बताऊंगा कि कंटेंट को लिखते हुए आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, और कीवर्ड रिसर्च के साथ साथ कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, रिटन कंटेंट और इमेज कंटेंट दोनों को, ठीक हो गया जी। चलें जी, अगर कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन है इज स्कीमा मार्कअप आल्सो रिलेटेड टू टैग, हाँ वो मैं पढ़ाऊंगा ऑन साइट में, स्कीमा टैग्स, ठीक है, वो बेसिकली इससे टैग्स रिलेटेड नहीं है, ठीक है। स्कीमा इज नॉट रिलेटेड टू द टैग, दैट इज समथिंग डिफरेंट। जैसे मैं अभी आपको एक इसकी छोटी सी एग्जांपल लाइव दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये एक जॉब की मैंने एक पोस्ट लगाई हुई है, ठीक है, अपनी कंपनी में जॉब के लिए, अब इसका मैंने जॉब स्कीमा भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आई तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यस, ये देखें, दिस इज बेसिकली अ स्क्रिप्ट, ये लगा हुआ स्क्रिप्ट लगा हुआ है, आईडी प्लस जेसन इसे कहते हैं, schema.org, ये पूरा स्क्रिप्ट लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं स्कीमा मार्कअप, ये वाली चीजें जो है ना, दैट इज नोन एज स्कीमा मार्कअप, ठीक है। ये ऑन साइट में मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन ये मेटा टैग नहीं है, दिस इज अ स्क्रिप्ट, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है स्क्रिप्ट में और मेटा टैग में, ये जब ऑन साइट पढ़ेंगे ना तो ये भी हम डिफरेंट स्टडी करेंगे कि ये स्क्रिप्ट और मेटा टैग में फर्क क्या है, और कहाँ पे स्क्रिप्ट यूज होता है, कहाँ पे मेटा टैग यूज होता है, ये भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। बट दिस इज स्कीमा मार्कअप, ये वाला, ठीक है, ये पूरा स्कीमा मार्कअप का कोड, और ये इतना आसान है, अभी आप में से ऐसे बच्चे जो कोड नहीं लिखना जानते उनके लिए तो ये लगेगा कि ये क्या अजीब सी चीजें लिखी हैं, लेकिन जब ये मैं आपको पढ़ा दूंगा आपको लगेगा ये तो बहुत आसान सी चीज है, बच्चों वाली चीजें, ये तो मसला ही कोई नहीं है, आप सब लोग इजीली कर लेंगे, ठीक हो गया जी। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, स्कीमा मार्कअप हमने ऑन साइट में स्टडी करना है। चलें जी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मीनवाइल मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये देखें, ये हमारा एक ग्रुप है लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट वाला, ये आप स्टूडेंट्स के एफर्ट की वजह से इतने सारे मेंबर हुए हैं, तकरीबन 5,500 मेंबर हो चुके हैं इसके, और मजीद ग्रोइंग है इस वक्त, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ी सी एफर्ट करें और अपने तमाम दोस्तों को इनवाइट करें, यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है इनवाइट के ऊपर, यहाँ पर इनवाइट पर क्लिक करके आपने अपने दोस्तों को इनवाइट कर लेना है। और ये भी आपको पता है कि ये लेक्चर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसके कोई फीस नहीं है, तो ऐसे लोग जो इनिशियल लेवल पर अभी बिगनर्स हैं वो इसको ज्वाइन करें, सुनें, समझें, फ्री में इन्हें सीखने का मौका मिलेगा, फिर बाद में वो एडवांस लेवल पर भी जा सकते हैं, ठीक हो गया जी। चलें जी, आई होप आपके तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, थैंक यू सो मच जी, बड़ा मज़ा आया आज आप लोगों के साथ क्लास लेकर। अगर इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ये वीडियो जब मैं आज रात को ही अपलोड कर दूंगा तो इस वीडियो के कमेंट में जाकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल आंसर देयर।
थैंक यू सो मच जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।